ये अपना सेगमेंट थ्री, स्पेशली ओल्ड कोर्स. अब ये सेगमेंट थ्री में एज पर व्हाट इंस्टीट्यूट हैज सेड दैट कैपिटल बजटिंग एंड डिविडेंड पॉलिसी इज नाउ इन द आईपीसीसी सेगमेंट इन जस्ट इन ओल्ड कोर्स, न्यू कोर्स में नहीं है ऐसा. सिमिलरली गोज विथ फैक्टरिंग, फैक्टरिंग भी अपने ये वाले सेक्शन में है ओल्ड कोर्स वाले. अच्छा, अब सेगमेंट थ्री में जो कैपिटल बजटिंग विच इज ऑल्सो नोन एज प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, उसको मैंने चार हिस्सों में बाइफरकेट किया हुआ है. एक है बेसिक्स कैपिटल बजटिंग, आई हैव सेग्रीगेटेड कैपिटल बजटिंग जो आईपीसीसी वाला है और फाइनल वाला है. मतलब जो आपके आईपीसीसी से रिलेटेड है काफी कुछ, वो बेसिक कैपिटल बजटिंग है, जहां पे मैं आपका कैपिटल बजटिंग काफी कुछ वापस रिवाइज होगा. ऐसा नहीं है कि ये बेसिक वाले सब आईपीसीसी में ही पूछे, फाइनल में नहीं पूछे जाएंगे या नहीं पूछे हैं. आपको फाइनल में भी काफी कुछ ये वाले सेक्शन से समा रहे हैं, इंक्लूडिंग द लेटेस्ट पेपर्स. दूसरा है जो कैपिटल बजटिंग में नया है कंपेयर टू योर आईपीसीसी, दैट इज इफ यू रिमेंबर आई अगेन एंड अगेन से सीए फाइनल इज ऑल अबाउट वैल्यूएशन ऑफ एन एसेट एंड रिस्क मैनेजमेंट. सो रिस्क एनालिसिस, मतलब कैपिटल बजटिंग में अपन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग जब करते हैं तो उसके अंदर अपन सिर्फ एनपीवी वगैरह पे डिसीजन ले लेते हैं. हाउएवर दैट इज ओनली रिटर्न्स, वी डू नॉट कंसिडर द फैक्टर ऑफ रिस्क इन दोज कैश फ्लोस. हाउ टू कंसिडर दैट रिस्क इन द प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, वो अपन रिस्क एनालिसिस में सीखेंगे. उसके बाद लीजिंग, जो पब्लिक कैपिटल बजटिंग से जिसको अलग समझता है, मेरे लिए वो कैपिटल बजटिंग का ही पार्ट है. बिकॉज वहां पे भी आप सेम सिस्टम कर रहे हो, जस्ट आप वो एसेट को फाइनेंस करने के दो डिफरेंट ऑप्शंस है, या लीज पे ले रहे हो या आप बोरो करके उसको परचेस कर रहे हो. सो कैपिटल बजटिंग के तीन मेजर सेक्शन, बेसिक्स जो काफी कुछ आपके आईपीसीसी से रिलेटेड है, उसके बाद जो सीए फाइनल में यूनिक चीज है जिसको मैंने सेग्रीगेट किया अलग से रिस्क एनालिसिस में, एंड तीसरा लीजिंग. लीजिंग वेरी क्रूशियल. अब ये तीनों सेक्शन से इंस्टीट्यूट 8 से 12 मार्क का ऑन एन एवरेज पूछता है, एटलीस्ट वन सम एंड थियरी. दिस इज व्हाट इंस्टीट्यूट का ट्रेंड हैज बीन. मैंने आपको वहां पे चार्ट्स वगैरह दिया है, तो आप वहां पे कैपिटल बजटिंग लीजिंग का ट्रेंड एनालिसिस देख सकते हो. एवरेज 8 मार्क्स हैज बीन द सिनेरियो फॉर इन द लास्ट 10 इयर्स और 20 पेपर्स और सो. एवरीवन मिला पब्लिक. हाँ, अभी उसके अलावा एक छोटा सा सेक्शन है, ये इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग. अब एक्चुअली ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है या इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग, इसका जो भी नाम दो, ये कुछ नहीं है, ये कैपिटल बजटिंग ही है बट विथ फॉरेन एक्सचेंज. तो थोड़ा बहुत उसमें जो आप प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करो उसमें डॉलर वॉलर इंक्लूड किया है. सो उसको मैं अलग से करूंगा, क्योंकि उसके अंदर इन्फ्लेशन और फिशर इफेक्ट, आपने जो फॉरेन एक्सचेंज में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़े आईआरपी बीबीबी, वो सब कैपिटल बजटिंग में डाला हुआ है और उसके साथ में मिक्स किया हुआ है. उसको इंस्टीट्यूट ने अलग से नाम दिया है, अलग से टॉपिक रखा है, बट फॉर मी दैट्स नॉट अ डिफरेंट टॉपिक, इट्स द सेम टॉपिक. बट अगेन फॉरेन एक्सचेंज वगैरह भी इसके अंदर आएगा थोड़ा बहुत, आपके फॉरेक्स के कॉन्सेप्ट भी टेस्ट हो गए. उसके बाद डिविडेंड पॉलिसी, वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑल्सो. मजा आएगा डिविडेंड पॉलिसी में, जहां पे डिविडेंड डिसीजन कंपनी कैसे लेता है, कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कितना, उसके बारे में डिविडेंड डिसीजन. और अगर आप वहां पे चार्ट्स में देखोगे डिविडेंड डिसीजन के बारे में, तो आपको पता चलेगा कोई इतना कंसिस्टेंसी नहीं है डिविडेंड पॉलिसी के बारे में जो इंस्टीट्यूट पूछता है. तो वो जरा आपको दिखेगा वेटेज कम है, कभी कभार बहुत ज्यादा वेटेज है, बट वो पास्ट की हिस्ट्री है. अभी रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने 8-8 मार्क के 2 सम डाले लास्ट पेपर में, लास्ट 2 पेपर में, बट बहुत इनफ्रीक्वेंट है डिविडेंड डिसीजन के बारे में. ठीक है, क्यों? क्योंकि डिविडेंड डिसीजन में काफी कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपका इक्विटी वैल्यूएशन वगैरह में आ जाता है. एक लास्ट टॉपिक है आपका फैक्टरिंग. अगर आप फैक्टरिंग का चार्ट देखोगे तो आपको एक अच्छा खासा ट्रेंड दिखेगा, वहां पे कुछ यूनिक चीज दिखेगा. मिला पब्लिक वो ट्रेंड में क्या यूनिक चीज दिख रहा है आपको, कि पहले कब तक के कौन सा ईयर तक, May 13 तक पूछा ही नहीं है, उसके बाद अचानक से इंस्टीट्यूट ने फैक्टरिंग डाल दिया. नाउ फैक्टरिंग वो आपके आईपीसीसी का ही फैक्टरिंग है, बराबर है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वही चीज है, और उससे रिलेटेड वो फिर नवंबर या मई 13 से लेके अब तक जितने भी सम पूछे इंस्टीट्यूट ने, वो सब सम अपन क्लास में कर लेंगे. सो इट्स नॉट दैट वी हैव टू लर्न द एंटायर आईपीसीसी में जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किया, बट ये जो इंस्टीट्यूट ने उसके रिगार्डिंग जो भी सम्स डाले वो अपन कर लेंगे. अगेन दैट टॉपिक इज वन टॉपिक जहां पे मेरे को सबसे ज्यादा इश्यू है विद इंस्टीट्यूट, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं रखा है उन्होंने, ना क्वेश्चन पूछने में वैरायटी में, ना उन्होंने सॉल्यूशन में.
तो उस रिगार्डिंग थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट अपन उससे रिलेटेड जितने भी पास पेपर के सम्स वगैरह है विल डू दैट इन फैक्टरिंग, अंडरस्टूड, ऐसा सब चीजें। तो दिस इज आर सेगमेंट थ्री, जिसमें अपन पहले शुरू कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग से, जिसमें बेसिक्स है, जिसमें काफी कुछ आपका आईपीसीसी का ब्रशअप हो जाएगा। दूसरा, आपके आईपीसीसी में आपने बहुत कुछ सीखा भी रहेगा तो बहुत कुछ ईजी भी हो जाएगा, बट उसको मैं कहीं कहीं पे जहां पे लॉजिकली पुश करना है वो करूंगा। ओके, एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज इन दिस एंटायर सेक्शन ऑफ कैपिटल बजटिंग विच इज अ क्रूशियल वन इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत फ्रीक्वेंटली आएगा, एन्यूटी, पीवीआईएफ, एफवीआईएफ, बिगिनिंग, एंड, याद है बिगिनिंग वाला, एंड वाला, खास करके लीजिंग में। लीजिंग में पब्लिक को इश्यू होता है इक्वेशन फॉर्मिंग में, टाइम वैल्यू वाले। दूसरा एक चीज, जब मैं ये कैपिटल बजटिंग वगैरह सेक्शन कराऊंगा तो मैं कुछ टेक्निक यूज करूंगा जिसके तहत अपने को सम सॉल्व करना है, एंड दैट टेक्निक इज हाउ टू यू नो सच लेंथी सम्स, क्योंकि कैपिटल बजटिंग के सम्स बहुत बड़े होंगे, तो कैसे अपन उसको सॉल्व करें कि अपने को सम वापस ना पढ़ना पड़े जो आप थोड़ा बहुत यूज टू हो अपने टेक्निक से, वो टेक्निक मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कैपिटल बजटिंग में ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, हाँ थोड़ा पोर्टफोलियो से रिलेटेड है, थोड़ा फॉरेक्स से रिलेटेड है जब मैं रिस्क एनालिसिस और इंटरनेशनल फाइनेंशियल या इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग में आऊंगा, तब वो वहां पे अपना लॉजिक वगैरह प्लेस होगा। बाकी अदरवाइज कैपिटल बजटिंग प्रीटी मच इजी है, बट मैंने ये ट्रेंड देखा है कि स्टूडेंट एग्जाम में कैपिटल बजटिंग छोड़ देता है या इनकम्प्लीट करता है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है कि आपने आईपीसीसी में थोड़ा ज्यादा डिटेल में या अच्छे से नहीं पढ़ा रहता है, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। सो इसीलिए वो बेसिक्स क्या करेगा पता है, आपका अपने यहाँ पे फाउंडेशन स्ट्रांग करेगा और कुछ नहीं, ठीक है। चलो लेट्स कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग एंड दैट टू बेसिक्स। ओके, सो कैपिटल बजटिंग, नाउ दिस इज वन थिंग दैट वी डू वेरी रूटीनली इन आर डे टू डे लाइफ ऑल्सो, दैट इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आप किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करते हो विद द ऑब्जेक्टिव कि रिटर्न मिले, सो यू हैव टू जज दैट कितना रिटर्न मिलने वाला है जिसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट करूं, दैट इज व्हाट द कंक्लूजन इज। फिर वो चाहे स्टॉक हो, बॉन्ड्स हो, फॉरेन एक्सचेंज हो, या कोई भी एसेट क्लास हो, रियल इस्टेट हो, या एक प्रोजेक्ट हो, तो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना या एक बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना या इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना, फिलोसॉफी सबका सेम है, लेकिन प्रोजेक्ट में यहाँ पे एक पर्टिकुलर आपके पास प्रोजेक्ट रहेगा जिसके अंदर आपको इनफ्लो आउटफ्लो को मैच करने का, दैट इज व्हाट द बेसिक टेक्निक इज। नाउ बिफोर दैट आई वांट टू कम अप टू द पॉइंट दैट आपके आईपीसीसी में, इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट थिंग दैट वी यूज टू डू इज दैट फर्स्ट थिंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कि क्या क्या फाइनेंस के सोर्सेज है, डेट, इक्विटी, टू बी प्रिसाइज मेजर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस डेट और इक्विटी है। अच्छा, दैट वॉज, अभी ये जो फाइनेंस के सोर्सेज है आर दे फ्री, नो दे हैव अ कॉस्ट, इसके लिए अपने सेकेंड टॉपिक वहां पे पढ़ा रहेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर क्या कॉम्बिनेशन में रेस करना चाहिए जिसके लिए आप पढ़ते हो, कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट कितना, इक्विटी कितना, और उसी कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड देन एमएम का थियरी विच सेड दैट कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररेलेवेंट। याद है इधर ये कहीं पे क्या था, मर्जर एंड एक्विजिशन के प्रोजेक्ट बीटा में, इफ यू रिमेम्बर अपन ने लिखा है क्या प्रोजेक्ट बीटा में, वैक और बीटा एसेट शुड नॉट चेंज जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, वो वहां पर अपन एमएनए में किया था। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, आईपीसीसी में अपने को मोदी गिलानी मिलर ने ये बताया कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररेलेवेंट। ये आपने सोर्सेज ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर के बाद एक टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी, जिसमें ये सब चीज है। अब आपके पास कैपिटल आ गया, क्या कॉम्बिनेशन में रेस करने का वो सब भी आ गया, तो होता है यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन में अपने को प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इन रियल लाइफ इज नॉट रेजिंग कैपिटल। ऑनेस्टली इफ यू से, अपने कॉन्ट्ररी टू आर बिलीफ, अपने को लगता है कि कैपिटल मिलना नहीं बहुत मुश्किल है, वरना कैपिटल मिलता तो मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। अपने को आज मैं किसी को पूछू कि तू बिजनेस क्यों नहीं कर रहा, सर कैपिटल नहीं। नो, कैपिटल इज नॉट अ कंस्टेंट इन द इकोनॉमी, देयर इज अबंडेंस ऑफ कैपिटल दैट पीपल आर विलिंग टू पुट इन यू, प्रोवाइडेड यू हैव दैट कॉन्क्रीट प्रोजेक्ट विथ यू। सो कॉन्ट्ररी टू द बिलीफ दैट पीपल जनरली से मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा होता तो मैं ये करता, अगर आप इतना ही कॉन्फिडेंस हो तो मार्केट से पैसा रेस करके कर लो, कैपिटल इज नॉट एन इश्यू। वेयर टू डिप्लॉय दैट कैपिटल इफेक्टिवली एंड जनरल रिटर्न इज एन इश्यू, अंडरस्टूड। कैपिटल रेजिंग और जनरेटिंग और अरेंजिंग इज नॉट एन इश्यू, कैपिटल डिप्लॉइंग इज एन इश्यू। नाउ व्हाट इज एन इश्यू, यू नो इश्यू इज, मैं प्रोजेक्ट ए में डालू या प्रोजेक्ट बी में डालू या प्रोजेक्ट सी में डालू, व्हाट शुड आई डू,
यू नो व्हाट, इन इकोनॉमिक्स, इन इकोनॉमिक्स, इन इकोनॉमिक्स अपन ने पढ़ा ना, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, बराबर ना, एंड द मीन्स टू अचीव दोज वॉन्ट्स आर लिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड. सो आपके पास कैपिटल लिमिटेड है और आपके पास अनलिमिटेड प्रोजेक्ट्स है एबीसी, लेकिन ये लिमिटेड कैपिटल को भी इसका मल्टीपल पर्पस यूज हो सकता है. आप ये कैपिटल को ए में भी डाल सकते हो, बी में भी डाल सकते हो, सी में भी डाल सकते हो. आपने वहां पे डालने का है जहां पे आप ये कैपिटल को मैक्सिमाइज रिटर्न जनरेट कर पाओ. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन कैपिटल बजटिंग, जरा देखो वहां पे क्या लिखा है. वेयर टू इन्वेस्ट द मनी इज द बिगेस्ट इशू, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन विच अ कंपनी और इट्स फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक. मतलब एक सीएफओ का जो पहले काम रहता था, सोर्सेज ऑफ फंड, एलोकेशन ऑफ फंड, पैसा रेस करो और डिप्लॉय करो. पैसा रेस करना इज स्टिल नॉट एन इश्यू, आई एम टेलिंग यू, पैसा डिप्लॉय करना इज अ मच बिगर इश्यू. अंडरस्टैंड, द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी और एट टाइम्स द एंटायर सर्वाइवल ऑफ द कंपनी डिपेंड्स ऑन दिस डिसीजन. मतलब पब्लिक, पब्लिक आपने पब्लिक मार्केट से पैसा रेस कर लिया और ये आपने एक प्रोजेक्ट में लगा दिया पूरा पैसा, राइट? आपने 100 करोड़ मार्केट से रेस करके 100 करोड़ एक प्रोजेक्ट में डाल दिया. आपने प्रोजेक्ट डाला, आपने प्रोजेक्ट डाला ब्रिज बनाने का, बराबर है? आपका 1000 करोड़ का कंपनी है या 500 करोड़ का कंपनी, आपने 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लिया हुआ है. अब जैसे कि एचसीसी कंपनी, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसने जिसने वर्ली सीलिंग बनाया, अजीत गुलाबचंद, अभी उसने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में ले लिया, क्या? लवासा, बराबर है? अभी उसने मार्केट से पैसा रेस करके लवासा का प्रोजेक्ट ले लिया, राइट? अब लवासा का प्रोजेक्ट ले लिया, डिसीजन ले लिया कि प्रोजेक्ट से पैसा मिलेगा, हाँ मिलेगा, अच्छा खासा डिसीजन ले लिया उसने और प्रोजेक्ट में पैसा डाल दिया. अब पता चला एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं है, अब पता चला वो ट्रिब्यूनल, ये ट्रिब्यूनल ना वो ट्रिब्यूनल ना ये लैंड ना वो लैंड, जो क्लियरेंसेस चाहिए वो सब नहीं है, काफी कुछ लीगल इलीगल में अटका पड़ा हुआ है. अब इट हैज बीन सो मेनी इयर्स दैट लवासा इज रॉटिंग. देयर वाज रिसेंटली अ स्टोरी of how people are leaving their homes in Lavasa and it has become a, you know, ghost town sort of thing. Once which was sought to be a, you know, flagship city jahan pe abhi aaj log rehna to dur, jin log ne ghar liye the wo log discount pe bech ke nikal rahe. Kyun? Kyunki project ko clearance nahi mila. Abhi ye to theek hai, ye dusra baat hai. What about Ajit Gulabchand and HCC? HCC ka pura business latak gaya ek project ki wajah se. So aap jo डिसीजन ले रहे हो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में या कैपिटल बजटिंग में, वो डिसीजन रातों रात आपकी कंपनी का मल्टीप्लाई भी कर सकता है प्रॉफिट या रेवेन्यू, या इमीडिएटली कंपनी को शटडाउन के कगार पे भी लाके खड़ा कर सकता है. दिस इज व्हाट एन इश्यू इज विद प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग. व्हाई? बिकॉज प्रोजेक्ट्स आर लार्ज, इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट एंड एट टाइम्स एग्जिटिंग द प्रोजेक्ट, यू नो, बीच में से प्रोजेक्ट निकल नहीं सकते हो, बहुत सारा कॉस्ट होगा, बहुत सारा शायद पेनल्टी होगा, आप बीच में से नहीं निकल सकते हो, दैट इज एन इशू. इसके लिए डिसीजन आज जो ले रहे हो, दैट हैज टू बी वेरी 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 सर्टन, विच इज वेयर पीपल लाइक यू एंड मी विल कम एज फाइनेंशियल कंसल्टेंट एंड विल हेल्प देम अंडरस्टैंड वेदर आज प्रोजेक्ट करने का कि नहीं. तो अपना जो डिसीजन जा रहा है कंपनी को, वो कंपनी के ग्रोथ और सर्वाइवल का मैटर हो जाता है. सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से हियर, द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी और एट टाइम्स द एंटायर सर्वाइवल ऑफ द कंपनी डिपेंड्स ऑन दिस डिसीजन. Many of these projects are heavily invested with longer period. 10-10 साल, 15-15 साल वाले प्रोजेक्ट होते हैं. आप वर्ली सीलिंग बनाने गए, 10 साल का प्रोजेक्ट 20-22 साल खींचा, बराबर ना? That's what had happened. वो शीला न्यास किया था पाल ठाकरे ने, वो रिबिन काटा सोनिया गांधी ने, मतलब it took so long, ages. That's what generally happens. I don't expect that to happen now with Mumbai Metro, which is super quick. If you see these days, right? Because it's a public-private partnership, MMRDA along with private players. So now no one, you know, takes the risk of doing all alone. It's a consortium which does that, and people, private players also want government participation. कि भाई कुछ land वैंड निकलवाना है, वो सब तुम भाई देखो भाई. हमारा काम सिर्फ project complete करना है, ये rehabilitation वगैरह हमारा काम नहीं, वो आपका matter है. और हम क्यों पूरा risk ले? आप भी involved हो जाओ. रिलायंस ने एमएमआरडी के साथ बनाया, अभी बाकी एमएमआरडी ने सोचा कि चलो अभी ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक अकेले को नहीं देता हूं, वो मैं स्प्लिट कर देता हूं. या आप जो नोटिस कर रहे हो कि बोरीवली से कांदीवली का कोई और बना रहा है, इधर से अंधेरी का कोई और बना रहा है, दिस इज नथिंग बट डाइवर्सिफिकेशन.
No one wants to take the entire risk, even if they see the profitability. No one wants to get stuck in something like this, government projects, even if they want to make money. Getting that? So what is the thing here? क्या लिखा मैंने? Many of these projects are heavily invested with longer period. At times it is difficult or impossible to get out of the project after initiating it. आपने वो 12 किलोमीटर का वर्ली सीलिंग है समझ लो, आपने 8 किलोमीटर बना लिया और लगा अरे शिट यार ये तो मेरे से कॉस्टिंग में गड़बड़ हो गया, ये 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 भाव के ज्यादा अपने को बनाना नहीं चाहिए, चल बीच में से छोड़ देता हूं 8 किलोमीटर के बाद छोड़ देता हूं, चलेगा क्या ऐसा 8 किलोमीटर के बाद? वो दुनिया भर का पेनल्टी डालेगा आपके ऊपर, आप बीच में से एग्जिट नहीं कर सकते हो. सो सिनेरियो क्या? At times it is difficult or impossible to get out of the project after initiating it, and the company may also have to incur huge losses or penalties in case of exiting before completion. इसीलिए क्या जरूरत है? Careful analysis is thus required before investing in all projects, and this analysis जो अपन करने वाले हैं उसको बोलते हैं cost benefit analysis, या उसका नाम है क्या? Capital budgeting decision. सो कैपिटल बजटिंग डिसीजन बेसिकली क्या करेगा? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. कि और ये इतना अभी सम करने में आपको बहुत छोटा चीज लगेगा ये, बट दिस इज वेयर कंपनी का सर्वाइवल एंड ग्रोथ इज डिपेंडेंट. योर डिसीजन दैट यू गोना गिव टू द कंपनी वेदर टू डू और नॉट डू द प्रोजेक्ट हैज टू बी सो सर्टन, हैज टू बी सो यू नो साइंटिफिकली एक्यूरेट ऑल्सो एंड लॉजिकली एक्यूरेट ऑल्सो, अदरवाइज कंपनी स्टार्ट करने के बाद बीच में से निकल नहीं पाता. दैट इज द बिगेस्ट इशू. आगे मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल. आपको कैपिटल यूज करना है, कैसे यूज करना है? इन द बेस्ट पॉसिबल मीन्स वेयर बाय क्या होगा? वेयर बाय दे जनरेट मैक्सिमम वैल्यू और वेल्थ टू द शेयर होल्डर्स. आप और मैं किसके लिए काम कर रहे हैं सर? शेयर होल्डर्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, ये अपना मकसद है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ. अ फाइनेंस मैनेजर और CFO मेक्स मेनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑफ मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन. एक कंपनी का CFO है, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने में बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, लेकिन कुछ क्रूशियल डिसीजन है. दिस डिसीजंस कैन बी समड अप इन टू बेसिक ऑब्जेक्टिव्स. क्या लिखा है मैंने? प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. व्हाट इज प्रोक्यूरमेंट? दैट इज नथिंग, सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स. बराबर है, राइट? द डिसीजन कैन बी अरेंज्ड एज फॉलोज. क्या लिखा है मैंने? पैसा किधर से लाने का, सोर्सेज ऑफ फंड्स. बराबर है, पैसे का कॉस्ट क्या, क्या लिखा है मैंने? कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फंड, दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. यू कैन रिमेंबर फ्लैशबैक में आपके टॉपिक ऑफ IPCC, पैसा किधर से लाने का, क्या कॉस्ट पे लाने का. फिर क्या लिखा है? क्या कॉम्बिनेशन में रेज करने का, द स्ट्रक्चर और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिंग द अबाउट सोर्सेज ऑफ कैपिटल. और किधर डिप्लॉय करने का, दैट इज कैपिटल बजटिंग डिसीजन, वेयर टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू यूज इट एफिशिएंटली. और अगर आपने पैसा डाल दिया, आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और प्रोजेक्ट से रिटर्न आ गया, वो रिटर्न का क्या करने का? शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करने का या खुद नए प्रोजेक्ट के लिए रखने का, दैट इज डिविडेंड डिसीजन. सो एन एंड टू एंड, कहां से पैसा रेस करने का से लेके कहां पे डिप्लॉय करने का, क्या कॉम्बिनेशन में रेस करने का, कहां पे डिप्लॉय करने का, उसका कॉस्ट क्या होगा, और वो डिप्लॉय करने के बाद जो रिटर्न आया है उसका क्या करने का, ये है जॉब प्रोफाइल ऑफ अ CFO जो आपको करने का. अंडरस्टूड एवरीवन? सो वहां पे मैंने दिया क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन. जरा यहाँ पे देखो पब्लिक, वो जो चार्ट मैंने यहाँ पे दिया, आपको पूरे ये क्लास, ये जो कैपिटल बजटिंग का अपने जो समझ है उसमें आपको करने की क्या नौबत आने वाली, मैं ये पूरा सिनेरियो यहाँ पे रखा है. सो दो मेजर फैक्टर्स है जो अपने को करना पड़े क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, मतलब आपको कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा. उसमें से डिसीजन को मैंने बाइफरकेट किया है ऑन द बेसिस ऑफ फर्म्स एग्जिस्टेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन स्ट्रक्चर. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस मतलब आपको जो सम्स आएंगे या अपने को जो प्रोजेक्ट आएंगे वो दो कैटेगरी के हो सकते हैं, कॉस्ट रिडक्शन या रेवेन्यू एक्सपांशन. कॉस्ट कंपनी अपना रिड्यूस कैसे कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल कंपनी के पास मशीनरी है, वो मशीनरी ओवर द पीरियड उसका लाइफ जब कम हो रहा है तो मशीनरी में खर्चे बढ़ेंगे, राइट? सो इट हैज टू डिसाइड वेदर टू मॉडर्नाइज इट और रिप्लेस इट. These are the major categories of sums that you have in your syllabus on machinery, modernization and replacement. ये cost reduction करने की बात हुई, right? जब मैं replacement की बात ही कर रहा हूं उसका by default मतलब यह है कि पुराना बेच रहा हूं, और modernize कर रहा हूं मतलब मैं उसमें overhaul कर रहा हूं, उसमें मैं खर्चे कर रहा हूं, उसमें मैं improvement कर रहा हूं. Majority of sums you have is on this part. उसके अलावा आपको कुछ डिसीजन आ सकते हैं कि क्या
रेवेन्यू एक्सपांशन, रेवेन्यू एक्सपांशन को मैंने बाइफरकेट किया, एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन और सेटअप ऑफ न्यू बिजनेस। एक्सपांशन मतलब आप अपना एग्जिस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हो। एक्सपांशन मतलब मेरे यहाँ पे बॉम्बे में 4 ब्रांचेस है, मैं ऑल ओवर इंडिया पे 10 ब्रांचेस बढ़ाऊ। मेरे यहाँ पे 100 टन सीमेंट का प्लांट है, मैं उसको 200 टन का प्लांट बनाऊ। दैट इज एक्सपांशन ऑफ एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज। डाइवर्सिफिकेशन मतलब गेटिंग इन टू न्यू बिजनेस ऑल टूगेदर, रिलायंस एंटरिंग इन टू फ्रॉम ऑयल एंड गैस इन टू जियो, दैट्स डाइवर्सिफिकेशन, राइट। एंड सेटअप ऑफ न्यू बिजनेस मतलब, सेटअप ऑफ न्यू बिजनेस मतलब एग्जिस्टिंग बिजनेस बंद करके नए बिजनेस में। ओवर द पीरियड क्या क्या, विप्रो ने, विप्रो जो वनस्पति घी और ट्यूबलाइट बनाता था, उसने वो सब ऑपरेशन आज वो बना था, वो सब चीजें, इट इज मूव्ड इनटू अ फुल फ्लेज्ड आईटी कंपनी। अंडरस्टूड, दिस इज व्हाट इट इज। सो आप देखोगे ये सैमसंग एंड ऑल, जो क्या था पता है, सैमसंग पहले व्हाट वाज सैमसंग, इट वाज, व्हाट वाज सैमसंग डूइंग, सैमसंग का आज भी बिजनेस है शिपिंग। सैमसंग इज ऑल्सो इन टू शिपिंग एंड आई थिंक इट वॉज इन टू फिश इंडस्ट्री एंड ऑल, फिशिंग एंड ऑल, इट वॉज अ फिशिंग कंपनी एंड ऑल, एंड फ्रॉम देयर ग्रेजुअली आज आप ये कॉन्ग्लोमेरेट्स देख रहे हो कहां से कहां पे पहुंच गए, वॉट बिजनेस दे स्टार्टेड एंड वॉट आर दे इन टू। अंडरस्टैंड, दैट इज ग्रेजुअली यू शिफ्ट इन टू दैट, फ्रॉम सेलिंग बुक्स ऑनलाइन टू सेलिंग एवरीथिंग ऑनलाइन, दैट इज वॉट अमेजॉन हैज बिकम। अंडरस्टैंड, एंड देन फॉलोड बाय फ्लिपकार्ट, ऑल्सो द सेम रूट। सो ये क्या है, सेटअप ऑफ न्यू बिजनेस, आप एग्जिस्टिंग बिजनेस से निकल के नए बिजनेस में एंटर हो। हु नोस, टुमारो इन द नेक्स्ट 10 इयर्स रिलायंस ऑयल एंड गैस सेक्टर के बिजनेस से एग्जिट होके टेलीकॉम के बिजनेस में रहे, दैट इज व्हाट आल्सो कैन हैपन। सो ये आपको ऐसे सब डिसीजंस भी होते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में, कि आप रेवेन्यू एक्सपांशन कैसे करना चाह रहे हो, कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, डाइवर्सिफाई कर रहे हो, या सेटअप ऑफ न्यू बिजनेस कर रहे हो। तो मैंने वहां पे दिया है वो सब चीज, मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या, रिपेयर एंड इंप्रूवमेंट इन द एग्जिस्टिंग मशीन, रिप्लेसमेंट में मतलब क्या दिया पब्लिक, रिप्लेसिंग ओल्ड विद न्यू वन। उधर एक्सपांशन में क्या दिया मैंने, इंक्रीजिंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस है, तो सेटअप ऑफ न्यू बिजनेस में क्या है, स्टार्टिंग ऑल टूगेदर न्यू बिजनेस। इन दोनों के बीच में अगर आपने एग्जिस्टिंग बिजनेस भी रखा है और नया बिजनेस भी खोला है, तो क्या लिखा है मैंने, डाइवर्सिफिकेशन, एडिंग अ न्यू बिजनेस और फॉर ग्रोथ पोटेंशियल, बराबर है। अब इधर आ जाओ जरा, यहाँ पे ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, डिसीजन स्ट्रक्चर, एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन। मतलब पब्लिक जरा ध्यान देना, मैं यहां पे आपको 3 प्रोजेक्ट्स दे रहा हूं, ए बी और सी, तीनों में आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 15%। इसका मतलब क्या, 15% से ज्यादा रिटर्न आएगा तो यू विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट्स। अभी यहां पे आ रहा है 16, यहां पे 17, यहां पे 18, कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करोगे सर, एवरीवन कौन सा सिलेक्ट करोगे पब्लिक, सी या ए, सी या ए, तीनों 15 से तो ज्यादा ही है ना, दिस इज एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन। एक्सेप्ट रिजेक्ट क्या बोलता है, कि आपके बेंचमार्क से ऊपर है सिलेक्ट कर दो। मैंने ये नहीं बोला कि इट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जहां पे कोई भी एक सिलेक्ट करोगे, कोई भी एक सिलेक्ट करना रहता तो मैं 18 वाला सिलेक्ट कर लेता। सो एक्सेप्ट रिजेक्ट का मतलब क्या होता है, कि आपका कोई एक बेंचमार्क है, कट ऑफ रेट, उससे ज्यादा आए तो एक्सेप्ट कर लो। और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या है, जो बेस्ट है उसको सिलेक्ट करो, कोई किसी भी एक को, वन ओनली वन प्रोजेक्ट, कोई भी एक को। मतलब बाय डिफॉल्ट इसमें कंस्टेंट है, क्या पता है एक्सेप्ट रिजेक्ट में, एक्सेप्ट रिजेक्ट क्या बोलता है पता है, कि आपके पास अनलिमिटेड कैपिटल है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या बोलता है, मेरे पास लिमिटेड कैपिटल है। गेटिंग दैट थिंग, those two things. Now the third thing, if you notice there, is contingent and complementary projects. What do you mean by contingency? Contingency, public contingency. आप कुछ बैलेंस शीट वगैरह के नीचे लिखते हो ना कंटिंजेंट लाइबिलिटी, वो क्या रहता है, मतलब आगे जाके हो सकता है। और कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग, कॉम्प्लीमेंट्री एक होगा तो दूसरा भी होगा, बराबर है। अच्छा, अभी ज्यादातर जो महाराष्ट्र में प्लांट्स है ना, खास करके बॉम्बे से जो रिलेटेड बिजनेसेस है, मोस्ट ऑफ दीज प्लांट्स आर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई, समवेयर नियर वसई एंड वाड़ा एंड ऑल दोस प्लेसेस, भिवंडी एंड आउटसाइड दोस प्लेसेस। नाउ जैसे थम्सअप है, कोको कोला है, सियाट है, ये सब की फैक्ट्रीज आर ऑन दोस प्लेसेस, आउटस्कर्ट्स, राइट। अच्छा,
अभी आपको आउटस्कर्ट्स पे बिजनेस करना है, फॉर एग्जाम्पल आप वहां पे बिजनेस करने जा रहे हो, क्यों जाते हो वहां पे, क्यों जाते हो वहां पे, लो कॉस्ट के लिए। हाँ, तो आप गए लो कॉस्ट के लिए, कभी कभार गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देता है इसके लिए। वैसा भी समय अपन देखेंगे कि आप वहां पे जा रहे हो क्यों, क्योंकि दैट्स अ यू नो बैकवर्ड एरिया, तो गवर्नमेंट आपको प्रमोट करने के लिए वहां पे जा रहा है। आप वहां पे गए, आप जो यहाँ पे आप जो प्लांट डालने वाले थे, समझ लो यहाँ पे आप अंधेरी में, यहाँ पे मुंबई में, सबर्ब में कोई प्लांट डालने वाले थे, जैसे पार्ले का फैक्ट्री है यहाँ पे, तो यहाँ पे उसका 100 करोड़ का प्लांट रहता था। यही प्रोजेक्ट आप क्या सोच रहे कि चल मैं जाता हूँ वो आउटस्कर्ट्स पे ओपन अप करता हूँ, वापी वलसाड़ या उधर कहीं पे ओपन अप करता हूँ और प्लान करता हूँ 100 करोड़ का, बराबर है। अच्छा, आपने प्लान स्टार्टअप किया, एक विलेज वगैरह में प्लांट मिला, उधर आप गए और आपको फिर रियलाइज हुआ क्या, ओ प्लांट तो बना लिया, रोड तो है ही नहीं, इधर रोड मेरे को बनाना पड़ेगा, स्ट्रीट लाइट है नहीं, मेरे को बनाना पड़ेगा, ये तो मैंने गिना ही नहीं प्रोजेक्ट में। अब मैंने जब प्लांट वन बना लिया, सब सब बंदे लोग को उधर भेजना पड़ेगा, इधर मैं किसी को तुम लोग को जॉब ऑफर करूं 6 लाख का पैकेज, तुम शायद मान लो, लेकिन मैं तुमको बोलू 6 लाख का पैकेज देता हूं, जाओ रोज वापी वलसाड़ जाओ, रोज वसई जाओ, जाओगे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट वहां पे, नहीं जाओगे। सो मेरे को तुमको ज्यादा रिटर्न देना पड़ेगा, मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा। दूसरा, अभी जैसे रिलायंस का प्लांट किधर है, रिलायंस का प्लांट किधर है, जामनगर में, अभी वहां पे जामनगर में बहुत लंबा प्लांट है, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड, कौन सा प्लांट है रिलायंस का, रिफाइनरी, द बिगेस्ट रिफाइनरी, सो मेनी पीपल वर्किंग देयर, सो मेनी पीपल। नाउ रिलायंस क्या सबको अपडाउन कराएगा क्या, अभी वहां पे लोग रह रहे, सालों साल रह रहे, उधर उनके लिए क्वार्टर्स बनाएगा, उनके लिए इतने सारे लोग हैं, तो अभी उनका फैमिली भी रहेगा वहां पे, फैमिली रहेगा तो बच्चे लोग रहेंगे, इतने सारे बच्चे लोग हैं तो उनका स्कूल बनाना पड़ेगा, उनके लिए हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा, पूरे का पूरा शहर खड़ा करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट जमशेदपुर इज, टाटा के प्लांट की वजह से पूरा शहर खड़ा है। आज जामनगर वगैरह में रिलायंस और अदानी और एसआर वालों के प्लांट है, तो पूरा वहां पे शहर खड़ा हुआ है। शुड नॉट आई कंसिडर ऑल दिस फैक्टर्स व्हेन आई एम डूइंग द प्रोजेक्ट, आई शुड, दीज आर कंटिंजेंट थिंग्स विच कैन कम अप व्हाइल डूइंग प्रोजेक्ट्स इन समवेयर आउटस्कर्ट। सो इट्स लाइक सेटिंग अप अ फैक्ट्री इन रिमोट एरिया, आप सिर्फ फैक्ट्री का कॉस्ट मत कंसिडर करो, उसके अलावा जो आगे पीछे के कॉस्ट हो सकते हैं वो भी आप टेक इन टू कंसिडरेशन। मतलब मैं प्रोजेक्ट फैक्ट्री का करने गया, उसके साथ ये भी छोटे मोटे प्रोजेक्ट करने पड़े, शायद मेरे को रोड बनाना पड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़े, आजू बाजू में लोगों को ट्रेनिंग देना पड़े, ये सब चीज मैंने कंसिडर करना चाहिए। दैट इज कंटिंजेंट और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्ट्स। अब आपको जो सिलेबस में है ज्यादातर, मैं आपको उस पर फोकस करता हूँ अपना, जो ये सब तो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग जनरली होता है, आपको जो सिलेबस में है वो है कॉस्ट रिडक्शन ज्यादातर, जिसमें मॉडर्नाइजेशन और रिप्लेसमेंट के ज्यादातर समझ है, ये एक्सिस्टेंस फर्म्स एक्सिस्टेंस की तरफ, डिसीजन स्ट्रक्चर में आपको एक्सेप्ट रिजेक्ट वाले और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाले ज्यादातर समझे। आपको 2 मशीन दिया रहेगा, उसमें से कोई भी एक को सिलेक्ट करो, आपको 3-4 प्रोजेक्ट्स दिए रहेंगे, उसमें से बेस्ट वाला प्रोजेक्ट उठाओ, वैसे वाला अपने को ज्यादातर कैटेगरी का समय। ओवरऑल कैपिटल बजटिंग इज दिस, बट उसमें से जरूरी नहीं अपने को पूरा ये सब चीज हो वैसा, राइट right? ठीक है, वही चार्ट मैंने वापस दिया, यू ऑल कैन गो थ्रू दैट थिंग, ओके। अच्छा, अब कोई भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, राइट, तो पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है वो प्रोजेक्ट के साइट पे जाके पब्लिक थोड़ा स्टडी करता है। अब कुछ लोग साइट पे जाके स्टडी करते हैं अबाउट इफ यू वांट टू स्टार्ट अप अ फैक्ट्री, उसी तरह आपको कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आप प्रोडक्ट का टेस्टिंग वगैरह करते हो। सिमिलरली एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, अगर मेरे को प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लेना है या प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ेगा मेरे को, अगर मैं प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल एस्पेक्ट स्टडी कर रहा हूं, ये जो आप प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले स्टडी करते हो उसको बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। सो व्हाट इज फिजिबिलिटी स्टडी, इट इज द डिसीजन ऑफ एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन फिजिबिलिटी स्टडी। इट इज अ टेस्ट ऑफ इवेल्युएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड इज देयरफॉर कैरिड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। इसको बोलते हैं जीरो डेट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का जीरो डेट। जीरो डेट मतलब प्रोजेक्ट बिगिन होने से पहले क्या होता है, स्टडी होता है प्रोजेक्ट का, वो स्टडी
दो मेजर फॉर्म्स में होता है, दो या तीन मेजर फॉर्म्स में होता है, वो मैं तीन फॉर्म्स बताया, मतलब टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। पहला है मार्केट फिजिबिलिटी। मार्केट फिजिबिलिटी मतलब आप जो प्रोडक्ट के ऊपर प्लांट बना रहे हो वो प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा कि नहीं, उसका डिमांड सप्लाई क्या है। फॉर एग्जाम्पल इधर बाबा रामदेव जी ने सोचा कि मेरे को मार्केट स्टडी करने का है, और मैंने मार्केट में देखा बहुत सारा कॉस्मेटिक्स है जो केमिकल बेस्ड है, लेट अस ट्राई विथ आयुर्वेदा और वट एवर दैट होम्योपैथी वट एवर यू विश। सो लेट अस फर्स्ट स्टडी द मार्केट, वेयर द मार्केट इज सेग्रीगेटेड। द मार्केट इज सेग्रीगेटेड इन टू टूथपेस्ट विच आर नॉट आयुर्वेदिक, विच आर सॉल्ट बेस्ड एंड ऑल। सो लेट मी फर्स्ट स्टडी द मार्केट, स्टडी द प्रोडक्ट, वेदर माई प्रोडक्ट विल बी सक्सेसफुल और नॉट। नाउ दिस इज ऑल रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, ओके। द सेकेंड विल बी प्रोडक्ट का टेक्निकल स्टडी। सो टेक्निकल फिजिबिलिटी में क्या होगा, कॉस्ट कितना होगा, कितना अपने को खर्चा लगेगा, कितना अपने को वहां पे कैपेसिटी चाहिए रहेगा, उसके लिए अपने को क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए रहेगा, कौन सा मशीन लेने का, क्या प्राइस पे लेने का नहीं बोल रहा हूं, कौन सा मशीन लेने का, क्या क्वालिटी रखने का, क्या स्टैंडर्ड मेंटेन करने का, ये टेक्निकल स्टडी हो गया। सो दो मेजर स्टडी, मार्केट स्टडी और टेक्निकल स्टडी, मार्केट फिजिबिलिटी और टेक्निकल फिजिबिलिटी। मार्केट फिजिबिलिटी में क्या होगा, एस्टिमेटिंग मार्केट ऑफ द प्रोडक्ट। टेक्निकल फिजिबिलिटी में इट इन्वॉल्व्स फैक्टर्स लाइक टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड अदर फैक्टर्स वेयर बाय द डोमेन नॉलेज इज रिक्वायर्ड। बराबर, अपना ये दोनों काम नहीं है, अपना सिर्फ फाइनेंशियल फिजिबिलिटी टेस्ट करना है। मतलब वो मार्केटिंग फिजिबिलिटी स्टडी करने वाला आपको बताएगा कि ये प्रोडक्ट में क्या लगता है, कितना चाहिए वगैरह, वो ये प्रोडक्ट का डिमांड सप्लाई क्या है वो। टेक्निकल फिजिबिलिटी वाला आपको बता देगा कि इसका कितना कॉस्ट होता है, ये इसमें कितना चाहता है, अपने को कितना मशीन लगेगा वो, और अपन कितना सेल्स वगैरह जनरेट कर पाएंगे, वो सब डेटा वो लोग आपको देंगे। अपने को क्या करने का है, वो सब डेटा को गैदर करके फाइनेंशियली वायबल है कि नहीं वो देखना है। सो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी वो क्या है सर, डिटेल्ड फाइनेंशियल एनालिसिस वर्किंग एंड कैलकुलेशन ऑफ ऑल द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। आपका और मेरा काम एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट इज नॉट ऑन द फर्स्ट टू एस्पेक्ट्स, मार्केट फिजिबिलिटी और टेक्निकल फिजिबिलिटी नहीं करने का अपने को, अपने को सिर्फ फाइनेंशियल फिजिबिलिटी टेस्ट करने का, अपना काम वही है। यू रिमेम्बर मैंने आपको बोला था इंजीनियर्स आर चोजन इन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, इंजीनियर्स आर चोजन बिकॉज दे कैन डू बोथ टेक्निकल फिजिबिलिटी, द इंजीनियरिंग नॉलेज, एंड बाई डूइंग एमबीए इन फाइनेंस और सीएफए दे कैन ऑल्सो डू फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। सो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में वो दोनों कर सकते हैं, इसके लिए दे आर मोर चोजन अ लॉट ऑफ टाइम्स देन जस्ट कॉमर्स ग्रेजुएट्स, अंडरस्टूड। इनफैक्ट जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स रहते हैं उसका फाइनेंशियल इवेल्युएशन के लिए इंजीनियर्स को रखा जाता, ऐसा दे हैव मोर नॉलेज, और दे हैव फाइनेंशियल नॉलेज तो नंबर्स डालने उनको एक्सेल शीट्स पे, स्प्रेडशीट्स पे, बट क्या कितना लगेगा, कौन सा मटेरियल यूज करने का एंड ऑल, किसका क्या कॉस्टिंग होता है वगैरह, वो थोड़ा उनको ज्यादा समझता है, प्रोडक्ट नॉलेज उनके पास थोड़ा ज्यादा है, अंडरस्टूड, ऐसा ठीक है। अच्छा, अब एक इंटीग्रल पार्ट, जैसे आपने वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी में समझा कि अपन किसी कंपनी को वैल्यू करते बेस्ड ऑन डिविडेंड पे, जो थोड़ा आउटडेटेड है, और आउटडेटेड के अलावा वो सब्जेक्ट टू मैनेजमेंट है। क्यों? क्योंकि यू कैन ट्विस्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल, इसीलिए अपन सब चीज को वैल्यू करते थे ऑन द बेसिस ऑफ कैश फ्लो। उसी तरह आप प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग जब कर रहे हो तो नॉन कैश नहीं, अपन पूरा प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैश आउटफ्लो एंड कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स, टैक्स को कंसीडर करने के बाद। तो अपना पूरा प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स पूरा प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। आपको मैं जब तक ना बोलू तब तक आप कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ही सोचोगे ना। व्हाट इज कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, कैश फ्लो मतलब कैश फ्लो और प्रॉफिट में फर्क क्या है सर, कैश फ्लो और प्रॉफिट में फर्क क्या है सर, नॉन कैश का विच इज डेप्रिसिएशन एडबैक करने का, उसका और कुछ नहीं। एवरीवन, तो क्या लिखा है मैंने वहां पे, कैश फ्लो एनालिसिस। इन कैपिटल बजेटिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ एनी प्रोजेक्ट आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो एंड नॉट अकाउंटिंग प्रॉफिट। This is because accounting profit is affected by discretionary accounting policies and other decisions by the management, which is less affected or almost impossible in the case of cash flow. मतलब सर आप कैश फ्लो तो जो बैंक में है वो है, उसको जो मेरे को दिख रहा है वो टेंजिबल है, बराबर है। प्रॉफिट जो मेरे को दिख रहा है शायद उतना मैं विड्रॉ ना कर पाऊं,
बिकॉज उसके अंदर बहुत कुछ नॉन कैश भी होगा. सो इन कैपिटल बजटिंग कैश फ्लो शुड बी कंसिडर्ड आफ्टर टैक्स ओनली बिकॉज टैक्स ऑन अर्निंग्स और प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज कैश आउटफ्लो वाइल टैक्स सेविंग्स ऑन एक्सपेंसिज एंड लॉसेज इज कंसिडर्ड एज कैश इनफ्लो. इसका मतलब क्या सर, कि आप जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हो या इनकम्स देख रहे हो, एवरीथिंग पोस्ट टैक्स, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग, कहां कहां पे भी, जहां जहां पे भी पोस्ट टैक्स, जहां पे भी टैक्स लग रहा है, अपने को सब चीज वन माइनस टी करने का, एवरीवन राइट. लेकिन सबको वन माइनस टी करोगे सिवाय एक को, क्या, डेप्रिसिएशन. नाउ डेप्रिसिएशन थोड़ा यूनिक चीज है, डेप्रिसिएशन को आप थोड़ा यूनिक चीज से करते हो. वन माइनस टी करते क्यों हो आप सर, पता है, क्योंकि अगर समझो आपने 100 रुपए का इंटरेस्ट पे किया है, लेकिन वो 100 रुपए के इंटरेस्ट पे आपका 30% जो टैक्स लगने वाला था वो बच गया उतने से. सो नेट आपने 100 रुपए तो आउटफ्लो किया, लेकिन उसके ऊपर 30 रुपए आपका आउटफ्लो बच गया टैक्स सेविंग्स. इसके लिए आप नेट पे करोगे 70, विच इज नथिंग बट 100 इंटू 1 माइनस 0.3, दैट इज नथिंग बट इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी. ये आप 1 माइनस टी क्यों करते हो, क्योंकि आप आउटफ्लो तो कर ही रहे हो, लेकिन टैक्स सेविंग्स भी होता है, क्योंकि आपका टैक्सेबल लाइबिलिटी कम हो जाता है. किधर किधर, इंटरेस्ट में और बाकी सब एक्सपेंसेस में. हाउएवर थोड़ा यूनिक है डेप्रिसिएशन, थोड़ा यूनिक है डेप्रिसिएशन, जरा ध्यान देना एवरीवन. मतलब समझ लो मैं यहां पे दो कंपनी लेता हूं, ए और बी, दोनों का मैं इनकम ले लेता हूं 100, इनकम बोलो प्रॉफिट बोलो आप जो भी बोलो. इसके अंदर डेप्रिसिएशन है 40 रुपीज और इसके अंदर डेप्रिसिएशन नहीं है, बराबर. तो टैक्सेबल प्रॉफिट इधर 60 हो जाएगा, इधर 100. अज्यूमिंग मार्केट में 30% टैक्स है, 30% मैं टैक्स ले लेता हूं सर, तो इधर टैक्स कितना लगेगा सर, इधर टैक्स लगेगा 18 रुपीज, इधर 30 रुपीज. पोस्ट टैक्स मेरे पास पैट बचेगा सर कितना, यहां पे बचेगा पैट बचेगा 42 और इधर 70. लेकिन मैं पैट के साथ डेप्रिसिएशन पूरा एडबैक कर दूंगा, क्योंकि वो जेब से तो गया ही नहीं. आपने कोई चेक दिया क्या डेप्रिसिएशन का 40 रुपए का लाइक इंटरेस्ट, नहीं. तो मेरा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स क्या होगा, पैट प्लस डेप्रिसिएशन, पूरे का पूरा मैं 40 रुपया एड कर दूंगा, इधर 82 होगा और इधर 70 ही होगा. ये जो आपको 12 रुपए का डिफरेंस दिख रहा है, व्हाट इज दिस 12 रुपए सर, 40 रुपए पे आपका जो 30% बच गया वो. नाउ व्हाट इज दिस 40 रुपया, इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स रेट, दिस इज कॉल्ड टैक्स सेविंग्स और टैक्स, कुछ लोग बोलते हैं उसको टैक्स शील्ड ऑन डेप्रिसिएशन. सो पब्लिक, बाकी सब मैं 1 माइनस टी लूंगा, डेप्रिसिएशन को इंटू टी करूंगा, समझ रहे हो क्या, ये बहुत बड़ा फर्क है. आप जब प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में करोगे, आपको वहां पे इंटरेस्ट दिया है, तो आप इंटरेस्ट को क्या करोगे, आउटफ्लो में रखोगे इंटरेस्ट, लेकिन 1 माइनस टी. डेप्रिसिएशन दिया है तो आपका कैश आउटफ्लो में आएगा या कैश इनफ्लो में, डेप्रिसिएशन ना कैश आउटफ्लो में ना इनफ्लो में, लेकिन उसका टैक्स बेनिफिट कैश इनफ्लो में आएगा. हम समझा क्या पब्लिक, ये फर्क होगा आगे जाके, ठीक है. तो डेप्रिसिएशन आफ्टर द कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट टू द एक्सटेंड ऑफ टैक्स सेविंग्स ऑन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, वो अपन कंसीडर करते. क्या लिखा है वहां पर, डेप्रिसिएशन अफेक्ट्स क्या, द कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट टू द एक्सटेंड ऑफ टैक्स सेविंग्स ऑन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सिंस इट इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस फॉर टैक्स पर्पस अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. मतलब सर, डेप्रिसिएशन की वजह से आपका आउटफ्लो तो हो नहीं रहा है, क्योंकि जेब से तो गया नहीं है, लेकिन उसकी वजह से आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाता है और टैक्स सेविंग्स होता है. अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ, यही चीज मैं इंटरेस्ट बोलता, तो इंटरेस्ट का एक्चुअली आउटफ्लो भी हुआ है और टैक्स सेविंग्स भी हुआ है. इसके लिए इंटरेस्ट भी पूरा लेता हूं और माइनस उस पर टैक्स सेविंग करता हूं. डेप्रिसिएशन लूंगा ही नहीं मैं, क्योंकि आउटफ्लो हुआ ही नहीं कैश फ्लो बेसिस पे, लेकिन उसका टैक्स बेनिफिट लूंगा. राइट एवरीवन? ठीक है, चीज ये है. तो जब मैं नेक्स्ट टाइम टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन बोलूं तो आपको डेप्रिसिएशन इनटू टी, लेकिन मैं इंटरेस्ट बोलूं तो इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी, या कोई भी एक्सपेंसेस में बोलूं तो 1 माइनस टी. एवरीवन राइट? अभी कैपिटल बजटिंग में एक यूनिक चीज ये है कि सर, आपको आउटफ्लो आज करना है, इनफ्लो फ्यूचर में होगा.
तो अपने को ये आउटफ्लो इनफ्लो को मैच करने के लिए, डिसीजन को मैच करने के लिए कुछ टेक्निक यूज करनी है। तो जैसे मैंने वहां पे दिया है, ये जो आपको कैपिटल बजटिंग में जो टेक्निक्स यूज करनी है उसमें से कुछ टेक्निक्स ऐसी है जो आउटडेटेड है, मतलब उसमें टाइम वैल्यू का कंसिडरेशन नहीं है। तो कुछ टेक्निक्स है विच आर नॉन टाइम वैल्यू बेस्ड, नॉन टाइम वैल्यू बेस्ड। और आपको पता है कि क्या बेटर होना चाहिए, टेक्निक शुड बी ऑन टाइम वैल्यू बेसिस, टाइम वैल्यू बेस्ड टेक्निक्स होनी चाहिए। अब नॉन टाइम वैल्यू बेस्ड में दो मेजर मैंने टेक्निक्स वहां पे दिया सर, अगर आप नोटिस करोगे तो उसके अंदर मैंने दिया है, एक है ARR, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, और दूसरा है पे बैक पीरियड। जैसा ही पे बैक पीरियड है जो नॉन टाइम वैल्यू बेस्ड में है, उसी तरह से टाइम वैल्यू बेस्ड में उसका चचेरा भाई है जो है कौन, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। अपन दोनों में फर्क समझेंगे जब अभी अपन सम कर रहे हैं, राइट। एक है डिस्काउंटेड, एक टाइम वैल्यू कंसिडर करता है, दूसरा नहीं करता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक जो आपको वहां पे दिखेगा चार्ट में, क्या क्या है सर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है NPV। एवरीवन, यही NPV से रिलेटेड एक टेक्निक है PI, और उसके अलावा एक क्रूशियल टेक्निक है दैट इज IRR। ये तीन मेजर टेक्निक्स वो टेक्निक्स है जिसपे आपका 99% कैपिटल बजटिंग डिपेंडेंट है, NPV, PI और IRR। लेकिन उसके अलावा मैंने कुछ अदर टेक्निक्स भी दी है जो इंपॉर्टेंट है, हालांकि अपने सिलेबस में इतना ज्यादा यूज नहीं है उसका। और वो अदर टेक्निक्स में आप देखोगे तो मैंने क्या क्या लिखा है, जैसे IRR है वैसे ही मॉडिफाइड IRR है, और दिख रहा है आपको वहां पे कुछ सिमुलेशन, मोंटे कार्लो सिमुलेशन अगर आपने नाम सुना हो तो, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखेगा आपको वहां पे, क्या, ब्लैक एंड स्कोल्स। सुना कुछ ब्लैक एंड स्कोल्स? ये सब टेक्निक्स है, और बहुत सारी टेक्निक्स है जो पब्लिक यूज करता है, सिमुलेशन, ब्लैक एंड स्कोल्स, मॉडिफाइड IRR, और एल्गोरिथमिक टेक्निक यूज करता है दुनिया भर का, स्टैटिस्टिक्स वगैरह यूज करता है। अपने को सिलेबस में अपना फोकस दिख रहा है कहां पे होने वाला है, ये तीन मेजर टेक्निक्स पे। एवरीवन, सो कैपिटल बजटिंग में डिसीजन क्या लेना है उसके बारे में ये चीज, लेकिन कैपिटल बजटिंग में टेक्निक सॉल्व करने के लिए यूज करने वाली चीज है, बराबर है। अपन एक एक करके कुछ बेसिक टेक्निक पे भी फोकस करते हैं, लेकिन अपना ऑब्जेक्टिव अभी मैं जो आपको कुछ सम कराने जा रहा हूं वो आपके बहुत बेसिक सम्स है जो आपको आते भी रहेंगे, तो मैं आपको बस गो थ्रू करा रहा हूं, और अल्टीमेटली जो अपने को क्लास में लिख के करना वरना है वो दीज टेक्निक्स, NPV, PI एंड IRR, राइट एवरीवन, ठीक है। जस्ट वहां पे अभी जो नीचे मैंने स्टार्ट किया है पे बैक और डिस्काउंटेड पे बैक, मैं दोनों को एक साथ समझा देता हूं और उसके ऊपर अपन कुछ डिस्कशन करेंगे। सो एवरीवन, कम टू योर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 1 अंडर बेसिक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। हम लोग कैपिटल बजटिंग के पार्ट ए बेसिक्स में है। एवरीवन, कैपिटल बजटिंग पार्ट ए दैट इज बेसिक्स, ओके, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 एवरीवन, हाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में जरा देखते हैं एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को बताया है वहां पे, हाँ, कैलकुलेट पे बैक पीरियड एंड डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, पब्लिक दोनों चीज पूछा है अपने को, बराबर है। एंड डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट शुड बी टेकन अप, प्रोजेक्ट ए दिया है जिसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिख रहा है पब्लिक वहां पे 12,000 है, एंड हैज एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 8 ईयर, बराबर है, आपने उसको आगे कैश फ्लोज दिया हुआ है। प्रोजेक्ट बी में अगर आप देखोगे तो इनिशियल आउटले 28,000 है और बाद में प्रोजेक्ट के अपने को 12 साल के कैश फ्लोज दिए हुए हैं। अच्छा, कहीं पे भी पूरे समय लिखा है डिस्काउंटिंग रेट सर, देखो तो जरा, नहीं तो आप अपने रेफरेंस के लिए लिख दो वहां पे, मैं यहाँ पे सिर्फ अजम्पशन करवा रहा हूं, वहां पे लिखा होना चाहिए कंसिडर डिस्काउंटिंग रेट है 10%, कंसिडर डिस्काउंटिंग रेट या COC या WACC जो भी वो लोग नाम थे। अभी जरा ध्यान देना, years, पहला प्रोजेक्ट ए के बारे में अगर मैं डिस्कशन करूं तो कितने साल का प्रोजेक्ट है पब्लिक, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कैश फ्लोज क्या क्या मैं देखता हूं, कैश फ्लोज है 2500, 3500, 4000 एंड 4000,
3000, 2000 एवरीवन, 1500 और 500। मैं इसी के साथ एक और चीज करूंगा, वो है मैं यहाँ पे बनाऊंगा कैश फ्लो के साथ क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। क्यों बनाऊंगा अपन समझेंगे बाद में, बराबर है। और उसके साथ मैं क्यूमुलेटिव कैश फ्लो होने के साथ मैं एक और चीज करूंगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर ले लूंगा। अभी मैंने कितना लिया, 10%, जिसके बेसिस पे आएगा प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन प्रेजेंट वैल्यू के साथ मैं क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू भी बनाऊंगा। तो सबसे पहले आप मेरे को 10% का डिस्काउंटिंग रेट, कुछ उन्होंने नहीं दिया है तो अपन दो दो डेसिमल ले सकते, तो आप मेरे को दो दो डेसिमल में बताओगे और धीरे धीरे यूज टू भी हो जाओगे। 0.91, 0.83, 0.75, 0.6, 8.62, 5.6, 5.1 and 0.47, everyone, right? ठीक है, जरा मेरे को प्रेजेंट वैल्यू बताना उस बेसिस पे, 2500 पे प्रेजेंट वैल्यू 2275, नेक्स्ट 3500 इनटू 0.83, 2905 एवरीवन, उसके बाद 4000 इनटू 0.3000, 4000 इनटू 0.68, 2720, 3000 इनटू 0.62, 1860, 2000 to 0.56, 1120, 0.51 into 1500, 765, और लास्ट में 500 into 0.47, 235, एवरीवन, राइट, ठीक है, चलो। यही चीज अगर उन लोग ने मेरे को प्रोजेक्ट बी में भी बोला है तो क्विकली मैं प्रोजेक्ट बी में भी कैश फ्लोज देखूंगा, लेकिन प्रोजेक्ट बी कितने साल का है सर, 9, 10, 11, 12, प्रोजेक्ट बी के कैश फ्लोज भी मैं निकालूंगा और फिर प्रोजेक्ट बी का भी मैं क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज करूंगा। अब क्यूमुलेटिव कैश फ्लो आप लोग मेरे को बता दोगे, लेकिन क्विकली मैं उसके कैश फ्लोज ले लेता हूं। तो यहां पे इट्स 5000, 6000, 6000, 8000, 12000, 13, 3 बार 13000 है, 11000, 8500, राइट। डिस्काउंटिंग फैक्टर तो 10% पे आपने यहां तक तो किया हुआ है, 8 तक तो वो तो लिख ही दूंगा, आगे के जरा कैलकुलेट करो, 0.91, 0.83, 0.75, 0.68, 0.62, 0.56, 0.51, 0.47, 0.42, 39, 35 और 32, राइट। इसके बेसिस पे प्रेजेंट वैल्यू क्विकली 4550, 4950, 5445, 45 ना, 5440, ओके, 7440, हाँ, 7280, 6630, 6110, 4620, 3120, 1050 and last में 1660, ओके, अच्छा ठीक है, ये थोड़ा अपन ने टाइम पास रिलेटेड स्टफ कर लिया। अब क्यूमुलेटिव कैश फ्लो मतलब मैं देखूंगा 2500 एक साल तक कितना आया, दो साल तक कितना कैश फ्लो आया, आई विल डू इट इज 6000, 10000, 14000, 17000, 19000, this is 20,500 and 21,000. So now what is payback period? Payback period बोलता है कि आपका initial investment, जैसे इन्होंने यहाँ पे अपने को project A का initial investment 12,000 दिया और project B का कितना है 28,000.
सो यहाँ पे पे बैक पीरियड क्या बताएगा कि आपका 12,000 ऑन एन एवरेज कितने टाइम में आ रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, सर 12,000 मेरा आ रहा है 3 और 4 के बीच में। थर्ड ईयर तक कितना आ जाता है सर मेरा, 10,000। अब और कितना चाहिए मेरे को, 2,000 चाहिए एक साल में। उस साल में आ कितना रहा है सर, 4,000। तो मैं क्या बोलूंगा सर, मेरे को 2,000 चाहिए बराबर, लेकिन पूरे साल में आ रहा है 4,000। तो मैं एस्टिमेट क्या करता हूं, मेरे को पे बैक पीरियड आएगा 3.5 ईयर्स। सिमिलरली मैं जब डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड करूंगा तो भी सेम सिस्टम करूंगा, लेकिन क्यूमुलेटिव करके 2,275, फिर मैं ऐड करूंगा 5,180, 8,180, 10,900, 12,760, 13,880, 14,645, 14,880। अभी डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में भी मेरे को 12,000 चाहिए, लेकिन आप कैलकुलेट करो उसके पहले, पता है आप पेबैक पीरियड ज्यादा होगा या डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड ज्यादा होगा? डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड ज्यादा होगा क्योंकि कैश फ्लो का वैल्यू कम हो गया। सो यहां पे मैं डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड 12,000 अगर आप देखोगे तो फोर्थ और फिफ्थ ईयर के बीच में आ रहा है। तो फोर्थ ईयर तक मेरा आ जा रहा है, फोर्थ ईयर तक मेरा 10,900 आ गया। मेरे को और कितना चाहिए, आई नीड 1,100, बट वो साल में, मतलब वो साल का मैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो देखूंगा कितना आ रहा है पूरे साल में, 1,860। सो मेरा यहाँ पे बैक पीरियड थोड़ा ज्यादा रहेगा डिस्काउंटेड वाला, 4.59 ईयर्स। एवरीवन, राइट। सिमिलरली आप प्रोजेक्ट बी में भी करोगे, उसमें से आप कौन सा सिलेक्ट करोगे सर, आप वो वाला सिलेक्ट करोगे जिसका पे बैक या डिस्काउंटेड कम हो। क्या बताता है, पे बैक और डिस्काउंटेड पे बैक कम हो, वो क्या बताएगा सर आपको, कितने जल्दी आपका पैसा रिकवर हुआ। ऐसा कुछ आपने किया था कहीं और पे, इन व्हाट टाइम द पॉइंट्स अमाउंट विल बी रिकवर्ड, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड्स, बट वो टाइम वेटेड था, यहाँ पे सिंपल है। अच्छा, ये तो आप कर लोगे, वो आप प्रोजेक्ट बी का भी उस हिसाब से कर लोगे, तो मैं प्रोजेक्ट बी का भी क्विकली करके कर सकता हूं। सिर्फ अगर मैं क्यूमुलेटिव कैश फ्लो ही करूं तो 5,000, इधर 11,000, इधर 17,000, 25,000, 37,000, सुन लेना बराबर, 37,000 इधर क्यूमुलेटिव में कैश फ्लो करूं, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो यहां पे मैं क्यूमुलेटिव कैश फ्लो करूं तो 4,550, 9,530, 14,030, 19,470, 26,910, 34,190। बस यहां पे अभी मैं पे बैक पीरियड निकालू सर, यहां पे मैं पे बैक पीरियड निकालू या डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालू, ऑफकोर्स डिस्काउंटेड ज्यादा रहेगा। कितना चाहिए मेरे को पैसा सर, 28,000, आई नीड 28,000। तो वो कितने साल में आ रहा है सर, यहां पे 4 प्लस कितना कम पड़ रहा है, 3,000 आउट ऑफ 12,000। सो दिस विल गिव मी सर क्या, 4.25 ईयर्स। डिस्काउंटेड ऑफकोर्स थोड़ा ज्यादा रहेगा, राइट। हाँ, तो डिस्काउंटेड वाले में क्या करोगे सर, ये कितने टाइम में आ रहा है, फिफ्थ ईयर प्लस, फिफ्थ ईयर में 26,910 आ गया, और कितना चाहिए आपको, 90,10, और उस साल में आ कितना रहा है सर, 7,280। तो आपको आएगा 5. कुछ यूनिक चीज किया मैंने, आपने नोटिस किया, आपने क्या नोटिस किया रहेगा पता है, मैंने इधर कुछ किया ही नहीं। ये पेबैक या डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, पेबैक और डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, इट डज नॉट कंसीडर ऑल द कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट, इट मियरली फोकसेस ऑन व्हाट, ओनली ऑन इट्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवरी। उसके बाद का प्रोजेक्ट वो लोग क्या समझते, तेल लेने गया,
उसके बाद का प्रोजेक्ट उन लोगों को कंसिडर ही नहीं कर रहे। ये पेबैक पीरियड या डिस्काउंटेड पेबैक का सबसे बड़ा गलती, इट डज नॉट कंसिडर एंटायर प्रोजेक्ट कैश फ्लोस। इससे क्या हो जाएगा, आप जो डिसीजन ले रहे हो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक प्रोजेक्ट है मेरा ई कॉमर्स का, मैंने वेबसाइट चालू कर दिया, मैंने मेरा पेंटर बेचना चालू कर दिया, ये डे वन से शुरू हो सकता है, राइट? या दूसरा प्रोजेक्ट है, मैंने 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 ऑयल रिग का स्टार्ट किया है, जिसपे 10 साल तक तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट जाने वाला है, जहां पे पैसा 11वें साल से 12वें साल से शायद आया, कंपेरेबल ही नहीं दोनों। आई कैनॉट कंपेयर टू सच प्रोजेक्ट्स वेयर द इन वन प्रोजेक्ट माई इनिशियल ईयर में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, लेकिन शायद लेटर ऑन ईयर में पैसा बहुत ज्यादा है, पूरा प्रोजेक्ट ही वैल्यूड नहीं कर रहा है पेबैक और डिस्काउंटेड पेबैक। सो आई कैनॉट कंपेयर इट इन दैट वे। अनफॉर्चुनेटली पेबैक से डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में आप जाते हो तो एक चीज अच्छा हो जाता है, वो है ये कि दे कंसिडर टाइम वैल्यू फॉर मनी, बट व्हाट आई एम सेइंग, अनफॉर्चुनेटली दे डू नॉट इवैल्यूएट द एंटायर प्रोजेक्ट, दे इग्नोर द कैश फ्लोज आफ्टर द ईयर ऑफ रिकवरी ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दैट्स देयर बिगेस्ट प्रॉब्लम एवरीवन, राइट? तो जरा वहां पे आपका जो यहाँ पे पेबैक वगैरह का सम खत्म होता है, उसमें मैंने नीचे दिया हुआ है कि वो दोनों प्रोजेक्ट से अगर आपको वहां पे बोला दोनों में से एक सिलेक्ट करो, दोनों में से एक, तो अपन किसको सिलेक्ट करेंगे, जिसका पेबैक या डिस्काउंटेड पेबैक कम हो, वो क्या अज्यूम करता है, जल्दी पैसा आ जाए। अब वो टेक्निकली सही नहीं है, क्योंकि 8 साल का प्रोजेक्ट है वो 12 साल का प्रोजेक्ट है, बट फिर भी अगर आप देखोगे तो जिसका नंबर ऑफ ईयर्स कम है, अपन प्रोजेक्ट एक को सिलेक्ट कर देते, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव रहता तो, राइट? तो मैंने वहां पर डिसीजन नहीं दिया, कंसिडर इट अ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ए शुड बी सिलेक्टेड एज इट हैज लोअर पेबैक पीरियड। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पेबैक पीरियड के बारे में लिखा है, क्या पीवीपी इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट टेक्निक्स टू इवेल्युएट द प्रोजेक्ट, ये आपको सबसे सिंपलेस्ट है, कोई इसमें साइंटिफिक कैलकुलेशन नहीं है, राइट? हाउएवर इट हैज सम लिमिटेशन एज बिलो। क्या लिमिटेशन है सर, कि पीवीपी डज नॉट टेक इन टू कंसिडरेशन द कॉस्ट ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, राइट? लेकिन ये अपन डिस्काउंटेड पेबैक में ले लेते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग इश्यू। दूसरा जो क्रूशियल अभी अपन ने डिस्कशन किया, क्या कैश फ्लोज अराइजिंग आफ्टर द ईयर ऑफ रिकवरी ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट आर इग्नोर्ड एंड हेंस इट डज नॉट फुल्ली इवेल्युएट द प्रोजेक्ट्स। सो मैंने थर्ड पॉइंट क्या लिखा है सर, थर्ड पॉइंट में देयर फोर पेबैक पीरियड और डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड आर नॉट यूज मच इन प्रैक्टिस फॉर इवेल्युएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। आप नहीं कर सकते हो, लेकिन 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 एवरीवन ध्यान देना, आप ये टेक्निक के बेसिस पे कंक्लूजन नहीं कर सकते हो कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है, कंक्लूजन नहीं कर सकते हो, लेकिन ये टेक्निक आपका डिसीजन का एक हिस्सा जरूर बनेगा। कैसे 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 कैसे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कब तक रिकवर होगा, राइट? आपको मैनेजमेंट ने बोला है कि जाओ अच्छे 10 प्रोजेक्ट लेकर आओ, आप 10 प्रोजेक्ट लेकर मैनेजमेंट के सामने गए, मैनेजमेंट आपको पहला ही चीज क्या बोलेगा पता है, तू जो भी प्रोजेक्ट लाया है मेरे पास कैपिटल 5 साल के लिए ही है, तो फिल्टर मार रहे, 5 साल के ऊपर जो पेबैक पीरियड जा रहा है वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दे, इवन इफ बेटर। सो अब वो शॉर्टलिस्टिंग करने के बाद जो प्रोजेक्ट बचते हैं उसमें मैं बाकी सब टेक्निक देखूंगा, एनपीवी, आईआरआर एंड ऑल दैट थिंग, क्योंकि सर आपने प्रोजेक्ट में फाइनेंस करने के लिए कैपिटल भी तो रेस करना है, वो कैपिटल थोड़ी ना परपेचुअल बॉन्ड हर बार रेस करोगे, वो एक टाइम लिमिट के लिए रेस करोगे सर, राइट 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 राइट, वो टाइम लिमिट के अंदर बैठने वाले प्रोजेक्ट ही आप चूज करोगे। नाउ दैट वो टाइम लिमिट मैंने यहाँ पे अभी आपको कैपिटल कंस्ट्रेंट बताया, कभी कभार सर इट्स नॉट कैपिटल कंस्ट्रेंट बट इट्स अ लेबर कंस्ट्रेंट, ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, तो आपको वो कंस्ट्रेंट के तहत, वो उसके तहत पहले फिल्टर मार के जो बचे हुए प्रोजेक्ट है उसको सेग्रीगेट करना है, उसको उसमें डिसीजन लेना है। सो पेबैक और डिस्काउंटेड पेबैक मे नॉट बी द फाइनल डिसीजन ऑफ विच प्रोजेक्ट इज टू बी डन, बट एटलीस्ट स्टेप वन, ये आपको स्टेप वन हो जाएगा। तो आपको मैनेजर या आपके बॉस बोलेगा भाई वही प्रोजेक्ट लेकर आओ जो 7 साल के अंदर वाले, उससे बियॉन्ड अपन बड़े प्रोजेक्ट में डालते ही नहीं पैसा, अपना रिसोर्सेज ही नहीं है उतना अपने पास। सो मैं क्या करूंगा, 7 साल के पेबैक पीरियड वालों को फिल्टर मारूंगा एक्सेल शीट पे, 7 साल से अबव वालों को रिजेक्ट कर दूंगा, राइट? बचे हुए उसमें मैं इवैल्यूएशन करूंगा, अंडरस्टूड? तो क्या लिखा है मैंने वहां पे, हाउएवर दे गिव क्विक इन्फॉर्मेशन ऑफ रिकवरी ऑफ कैपिटल एंड हेंस कैन बी यूज्ड एज, क्या लिखा है आप हाईलाइट करो, क्या प्राइमरी स्टेप टू शॉर्टलिस्ट द प्रोजेक्ट्स।
एवरीवन, राइट? ये सब तो इजी, ठीक है? तो ये पेबैक वगैरह पे, डिस्काउंटेड पेबैक का आप सम सिर्फ देख लो, बाकी जो करने वाला जो टेक्निक है वो है, आपने जो टेक्निक्स वगैरह का चार्ज देखा है वहां पर, टेक्निक्स में मैंने कौन सा बोला था, टेक्निक नॉन टाइम बेस्ड में पेबैक और टाइम वाले में डिस्काउंटेड पेबैक, एक टेक्निक है वहां पे कौन सा, ARR, वो अपन करेंगे लास्ट में, लास्ट में मतलब समवेयर बिटवीन, वो अपना रास्ते में आएगा। अच्छा, अब अपन फोकस करते हैं वो टेक्निक पे जिसके ऊपर अपने को पूरा कैपिटल बजटिंग करने का है, एंड दैट इज NPV, विच इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। NPV क्या करता है, NPV क्या करता है, आपको बताता है कि आपको प्रोजेक्ट में से कितना रिटर्न मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एन अमाउंट। सो वो क्या करेगा, सब कैश इनफ्लो को कंसीडर करेगा, उसमें से कैश आउटफ्लो को माइनस करेगा, लेकिन ये सब ओवर द पीरियड होने वाला है, तो सब में टाइम वैल्यू का अपन तड़का डालेंगे। तो अपन क्या करेंगे, ये सब कैश इनफ्लो को प्रेजेंट पे लाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो करेंगे, और सब कैश आउटफ्लो को भी प्रेजेंट में लाएंगे, और माइनस करके जो बचेगा वो आएगा अपना NPV। क्यों ये प्रेजेंट पे क्यों ला रहे हैं, क्योंकि सर इन्वेस्टमेंट आज करना है, तो आज की तारीख में पैसा कितना मिलेगा अपने को वो अपने को देखने का। अंडरस्टूड एवरीवन? जिसे आप इक्विटी वैल्यूएशन में गॉर्डन्स ग्रोथ वगैरह से करके P0 क्यों ढूंढते थे और उसको CMP से कंपेयर करते थे, P0 और CMP से कंपेयर डिसीजन लाने के लिए, क्या डिसीजन, कि भाई आज शेयर खरीदो या नहीं खरीदो, वही चीज मेरे को यहां पे करने का। एवरीवन, अब इसमें जैसे आपने डिसीजन स्ट्रक्चर का चार्ट किया, डिसीजन स्ट्रक्चर का देखो, डिसीजन स्ट्रक्चर का स्टार्ट किया ना आपने, उसमें आपको दो मेजर चीज आएगी, एक्सेप्ट रिजेक्ट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट रहेगा तो क्या करने का। एक्सेप्ट रिजेक्ट मतलब क्या सर, उसमें इफ योर NPV इज ग्रेटर देन जीरो, if your NPV is less than zero and if NPV equals to zero, ये वो सिचुएशन है जहां पे आपको प्रोजेक्ट करने का या नहीं करने का पता चलेगा। मतलब if NPV is greater than zero, मतलब मेरा कैश इनफ्लो इज ग्रेटर देन कैश आउटफ्लो इन प्रेजेंट टर्म्स, वी विल व्हाट, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट और एल्स वी विल रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, एंड इफ इट इज एट जीरो वी आर इनडिफरेंट। बराबर है? जो लोग इक्विटी बैठे हैं और समझते हैं, दिस इज ऑल्सो द पॉइंट वेर आई कैन से P0 इज ग्रेटर देन CMP, दिस इज P0 लेस देन CMP, P0 इक्वल्स टू CMP। क्या होता था ऐसे ऐसे पॉइंट पे, आप क्या बोलते थे, अबाव एसएमएल, अंडर वैल्यूड और बाय, एक्सेप्ट, ओवर वैल्यूड सेल, रिजेक्ट एंड करेक्टली प्राइस, होना चाहिए उतना ही है ऑन द SML, दैट इज होल्ड, इनडिफरेंट, इज द सेम थिंग। अंडरस्टूड? वो इक्विटी में इन्वेस्ट करना भी एक प्रोजेक्ट है, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना भी प्रोजेक्ट है, मर्जर एंड एक्विजिशन में टारगेट कंपनी को खरीदना भी एक प्रोजेक्ट है, और इधर प्लांट वांट ओपन अप करना, मशीन वशीन खरीदना भी एक प्रोजेक्ट है। एसेट क्लास ही चेंज कर रहा हूं, बाकी सब सेम है। गेटिंग दैट एवरीवन? सो एक्सेप्ट करने का कि नहीं करने का, दैट डिसीजन इज बेस्ड ऑन क्या, NPV इज ग्रेटर देन जीरो और नॉट, एवरीवन? राइट, ये मैं इरेज कर रहा हूं, अभी अपन थोड़ा फोकस करते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पे ही। आप इंटरकनेक्ट बार बार कर सकते हो, लेकिन कम बैक टू दिस पॉइंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो, तो कौन सा सिलेंगे, वी विल सिलेक्ट द वन विद हाईएस्ट NPV, एवरीवन? राइट, ये अपने को पता है। सो लेट अस डिस्कस मोर अबाउट व्हाट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, और वो नेट प्रेजेंट वैल्यू करते करते मैं आपका थोड़ा बहुत NPV पे कॉन्सेप्ट भी शायद पहले कंफ्यूज करूं, फिर हिला दूं, और फिर शायद एक्यूरेट कर लूं, ऐसा। सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट NPV, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ DCF टेक्निक, DCF, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक, जहां पे आप फ्यूचर में आने वाले सब कैश फ्लो को प्रेजेंट पे लेकर आते हो। डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक अपना इक्विटी वाला बैठा हुआ बच्चा जानता है, बाय 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 प्रोफेसर,
माय प्रोफेसर, माय प्रोफेसर एक्सेप्ट मी, मेरे नाम के अलावा। हैरी मार्कोविच ने नहीं बताया, हैरी मार्कोविच ने आपको डाइवर्सिफिकेशन बताया, कोर एंसर को रिलेशन। विलियम शार्पे ने आपको बीटा बताया, सीएपीएम बताया। हाँ एम पर से था ना, ना ना नको, ए बी सी डी एम। गॉर्डन ने आपको प्राइस बताया, पी जीरो, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होना चाहिए बताया। आपको बताया प्रोफेसर जॉन विलियम्स, प्रोफेसर जॉन विलियम्स ने 1938 में अपना बुक निकाला था द थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट वैल्यू। मैंने आपको हिंट भी दिया था, दैट वाज द सेम टाइम व्हेन हिटलर स्टार्टेड हिज पार्टी एंड दैट केम इनटू द पावर इन जर्मनी। ऐसा सब हिंट भी दिया था, जान दो। एनीवे, सो प्रोफेसर जॉन विलियम्स ने अपने बुक में पब्लिश किया था थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट वैल्यू, और उसके तहत उसने ये रिमार्केबल टेक्निक निकाला था डीसीएफ, जो मैंने बताया था आपको आज के जमाने में तक अपन यूज करते हैं। कहां पे आप स्टॉक में इन्वेस्ट करो, बॉन्ड में करो, और आपने नोटिस भी किया रहेगा, आप किसी कंपनी को अक्वायर करो या प्रोजेक्ट में डालो, टेक्निक वही है। डीसीएफ टेक्निक क्या बताता है, फ्यूचर के कैश फ्लो को डिस्काउंट करके प्रेजेंट पे लाओ, वो डीसीएफ टेक्निक है, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक, राइट। Under this method, all the cash flows, whether inflows or outflows, are brought to the present. Present मतलब year zero पे, using discounting rate known as weighted average cost of capital, right? In order to compare them at a single point of time. Eventually, the difference between the present value of cash inflows and the present value of cash outflows is calculated, and the surplus is called as NPV, net present value, which is nothing but PVCI minus PVCO. राइट तो मैंने एक्सेप्ट रिजेक्ट में क्या बोला, अगर ग्रेटर देन जीरो तो एक्सेप्ट, लेस देन जीरो तो रिजेक्ट, नहीं तो इनडिफरेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो चूज द वन विथ हाईएस्ट एनपीवी, राइट। अच्छा अब वहां पे मैंने कैश आउटफ्लो और इनफ्लो में कुछ चीजें लिखी है जो आप मेरे को बताओगे और मैं यहाँ पे बोर्ड पे रखूंगा, क्योंकि वो शायद बार बार लगातार आएगा। अभी वहां पे उसके अलावा भी कैश आउटफ्लो और इनफ्लो में बहुत सारी चीज आ सकती है, कुछ चीज जो रेगुलरली आएगा वो मैंने वहां पे लिखा हुआ है। एवरीवन, हाँ तो कैश आउटफ्लो और इनफ्लो में आपको कैश आउटफ्लो में क्या दिख रहा है, सर 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 सर, पहला चीज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जिसको अपन नाम दे देते हैं क्या, कैपिटल कॉस्ट, मतलब आपने मशीनरी लिया या प्लांट में इन्वेस्टमेंट किया इनिशियली, वो आप सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट करोगे, एक बार इन्वेस्टमेंट करोगे, उसके अलावा भी ईयर ऑन ईयर इन्वेस्टमेंट होगा, ईयर ऑन ईयर भी कुछ खर्चे होंगे, तो क्या दिया जरा वहां पे देखो, कैश आउटफ्लो में सेकंड चीज क्या दिया है, ये तो वन टाइम कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया, दूसरा इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, राइट एवरीवन, बराबर है। अच्छा सुनो पब्लिक, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब किधर किया रहेगा, जरा एक एग्जांपल दे सकते हो आप, कंपनी में इनिशियल इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट, कुछ बाय किया रहेगा, किसमें किया रहेगा, लैंड, मशीनरी, मशीनरी 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 पे फोकस करता हूं, मैंने 100 करोड़ का मशीन लिया, 10 करोड़ का मशीन लिया, ये मेरे कैश आउटफ्लो में। लेकिन जाते जाते जब मेरे को कैश आउटफ्लो है ना, तो ये कैश इनफ्लो में भी कुछ आएगा मशीनरी रिलेटेड, कैश इनफ्लो में भी कुछ आएगा क्या मशीनरी रिलेटेड, क्या आएगा पता है, सैलवेज या स्क्रैप वैल्यू, एवरीवन राइट, ये आपके कैपिटल कॉस्ट से रिलेटेड। वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया स्टार्टिंग में, तो लास्ट में रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल भी होगा, इफ एनी, जो आपके स्टॉक वर्क में, डेटर्स में कुछ बचा या कैश में बचा वो सब भी होगा। समझा क्या पब्लिक, अगर ये दोनों स्टार्टिंग में डाला है तो लास्ट में भी कुछ निकलेगा। उसके अलावा क्या चीज दिया है वहां पे मैंने, सर रिकरिंग और एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सो रिकरिंग या एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है तो उसके सामने आपको एनुअल कैश इनफ्लो भी है, अपने प्रोजेक्ट में रोजमर्रा के खर्चे हैं, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, कुछ रिकरिंग एक्सपेंसेस है, लेकिन आप ये कर रहे हो कोई प्रोडक्ट वोडक्ट बनाने के लिए, वो प्रोडक्ट बना के बेच के आपको जो कैश इनफ्लो भी तो ईयरली जनरेट होगा, वो एनुअल कैश इनफ्लो और कुछ ना होके व्हाट इज दैट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, That is nothing but cash flow after tax. Everyone, तो जरा देखोगे वहां पे कैश इनफ्लो में वो क्या लिखा है मैंने, पहला चीज एनुअल कैश इनफ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट विच इज नथिंग बट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स विच इज नथिंग बट एनपीएटी प्लस डेप्रिसिएशन। गेटिंग दैट एवरी वन, राइट।
आगे एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या, जो भी एक्सपेंसेस है लेकिन सब वन माइनस टी, वन माइनस टी, वन माइनस टी, बराबर। उसके बाद कुछ और है वहां पे टैक्सेस इफ एनी, जिस पे भी आप टैक्सेस पे कर रहे हो। और लास्ट में एक चीज मैंने दिया है, क्या दिया है वो, एनी अदर वन टाइम इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट। सो बाकी सब चीज जो भी आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। कैश इनफ्लो में आप देखोगे तो आपको एनुअल कैश इनफ्लो, सैलवेज और स्क्रैप वैल्यू तो है ही, उसके अलावा और कुछ है, और कुछ है, यस वेरी यूनिक चीज जो आप देखोगे वहां पे क्या है लास्ट वाले में, टैक्स सेविंग्स और बेनिफिट ऑन डेप्रिसिएशन। तो ये एक यूनिक चीज आएगा, टैक्स सेविंग्स और बेनिफिट, टैक्स सेविंग्स और टैक्स बेनिफिट्स ऑन डेप्रिसिएशन। उसके अलावा वो सैलवेज और स्क्रैप वैल्यू और रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल तो रहेगा, लेकिन रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल पे देख रहे हो आप मैंने वापस स्टार मार्क मारा हुआ है। क्यों मारा हुआ है? क्योंकि ये आपको इंस्टीट्यूट कभी कभार देगा नहीं, आपको कभी कभार खुद को वर्किंग कैपिटल पहले बोला है कि वर्किंग कैपिटल में 10 करोड़ डाला और लास्ट में कुछ नहीं बोला है, तो आपको खुद को रिलीज करना है। ये उसको स्टार मार्क करने का, आपको हाईलाइट करना है तो हाईलाइट कर दो। क्यों रीजन मैं बता रहा हूं, क्योंकि वो कभी कभार स्टूडेंट से छूट जाते हैं कि वर्किंग कैपिटल में डाला था तो वर्किंग कैपिटल का क्या भाई, निकलना भी चाहिए। आपने मशीनरी लिया था तो उसका नो डाउट एडजस्टमेंट रहेगा इन टर्म्स ऑफ सम सैलरी एंड स्क्रैप वैल्यू एंड ऑल, बट नहीं रहेगा किसका, शायद वर्किंग कैपिटल का ना हो तो वो अपने से छूटना नहीं चाहिए। अंडरस्टूड एवरीवन, राइट? अच्छा, लेकिन ये सब करते दौरान कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो वो आपको ध्यान रखने का, वहां पे मैंने पीछे दिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। क्या लिखा है वहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रिगार्ड्स टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो, व्हाइल कंपेयरिंग आइडेंटिकल प्रोजेक्ट्स विद सिमिलर लाइफ पब्लिक, दो प्रोजेक्ट्स है दोनों का लाइफ सिमिलर है, मतलब समझ लो मेरी बात, मशीन ए है और मशीन बी है, दोनों 5-5 साल चलेगा, सिमिलर लाइफ, सिमिलर लाइफ क्रूशियल है, वो इसीलिए मैंने वहां पे अंडरलाइन किया है, आप भी उसको हाईलाइट करोगे। सिमिलर लाइफ होगा तो ही आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सर जितने भी कॉमन एक्सपेंसेस या इनकम है वो सबको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि आप प्रोजेक्ट ए और बी में इवेल्युएट क्या कर रहे हो, एक्स्ट्रा या मार्जिनल या डिफरेंशियल बेटर कौन है, तो इंक्रीमेंटल किसका बेटर है, तो आप कॉमन चीजें इग्नोर कर सकते हो, जैसे कि वहां पे मैंने दिया क्या, प्रोडक्शन वॉल्यूम सेल्स एक्सपेंसेस और इनकम, ये सब आप कॉमन चीज रहेगा तो इग्नोर कर सकते हो। अंडरस्टूड? हाँ। दूसरा, कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड बिफोर द डिसीजन मेकिंग, जिसको अपन क्या बोलते हैं सर, संक कॉस्ट, दैट इज ऑल्सो वी हैव टू इग्नोर। अब उसके अलावा जो चीज है ना तीसरा, एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, उस पर मैं आऊंगा, उस पर मैं आई विल कम बैक टू दोस पॉइंट, दैट पॉइंट ऑफ एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स को क्या करने का, इग्नोर करने का तो क्यों करने का, विल कम टू दैट वन। बेसिकली ये जो एक्सपेंसिस और इनकम का कुछ डेटा दिया भी रहेगा फिर भी इग्नोर करने का, वो वाला पॉइंट है ये, ठीक है। चलो ये सब कंसिडर करके लेट अस कम टू प्रोजेक्ट एंड अ बेसिक प्रोजेक्ट अपन पहले करते हैं एनपीवी, अपन फिर पीआई और आईआरआर करते आने वाले दो सम में, उसके बाद मैं एक सम दूंगा जहां पे आप सब चीज एक साथ निकालोगे, क्या पेबैक, डिस्काउंटेड पेबैक, आईआरआर, एनपीवी और पीआई सब एक साथ करोगे वो एक सम में, ठीक है। चलो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू एवरीवन, क्वेश्चन नंबर टू में खुशाली पढ़ने क्या दिया क्वेश्चन नंबर टू में, हाँ अच्छा क्या बोला उन्होंने, मैनेजमेंट के पास चॉइस है क्या, इन्वेस्ट करने का 4000 इन अ प्रोजेक्ट दैट अपीयर्स टू बी प्रॉमिसिंग 1000 फॉर 5 years, मतलब आपको ये वाले प्रोजेक्ट में सर, ये क्वेश्चन नंबर टू वाले प्रोजेक्ट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, कितना कर सकते हो आप प्रोजेक्ट में सर, 4000, बदले में आपको उन्होंने बोला कि आपको ईयरली कैश फ्लो मिलेगा, एनुअल कैश इनफ्लो मिलेगा, कितना 1000 फॉर कितना टाइम, 5 years, ये 5 years मैं बोल सकता हूं प्रोजेक्ट का लाइफ है, जो अपन नॉर्मली टी बोलते थे, तो ये प्रोजेक्ट का लाइफ है मेरा 5 years का। आगे फिफ्थ 15% कट ऑफ रेट, मतलब मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डिस्काउंटिंग रेट, बराबर। आगे
ऑन द बेसिस ऑफ एनपीयू आपको बताने का वेदर द इन्वेस्टमेंट इज वर्थ वाइल और नॉट. एवरीवन, सबसे पहले मैं निकालूंगा पहले पीवीसीआई और फिर पीवीसी. इन्वेस्टमेंट वर्थ वाइल है कि नहीं, मतलब मेरे को निकालना क्या है सर, एनपीवी पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ करूंगा, जो मेरे को बताएगा कि प्रोजेक्ट करने जैसा है भी कि नहीं. तो पीवीसीआई निकालने के लिए मैं सिस्टम क्या करूंगा सर, मेरा एनुअल कैश इनफ्लो दिया है उन्होंने 1000, ये कंसिस्टेंट सेम अमाउंट ही है 5 साल तक, तो मैं अभी लिख सकता हूं ना इनटू पीवीआईएफए कितना परसेंटेज, 15% फॉर 5 ईयर. इसका फैक्टर क्या उन्होंने दिया है, पहले क्वेश्चन में चेक करने का, दिया है उन्होंने कहीं पे, नहीं दिया है, तो अपन खुद निकाल सकते हैं 2 डेसिमल में 3 डेसिमल में, उसके बेसिस पे अपने को पीवीसीआई आएगा. तो आप जरा निकालो वहां पे, उन्होंने कुछ नहीं दिया तो आप 2-3 कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 3.35 बराबर, 3 डेसिमल अगर आपको लेना है तो 3.352. सो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, पीवीसीआई 3352, लेकिन मैं देखूंगा पीवीसीओ ये प्रोजेक्ट में डालने का कितना है आज 4000, तो सर मेरा एनपीवी क्या आएगा, एनपीवी विल बी नेगेटिव, और कितना नेगेटिव होगा सर, -648 ले लेता हूं मैं, 3352 लिया है तो. एवरीवन, एनपीवी नेगेटिव, क्या करते हैं अपन सर, रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, वो अपन डिसीजन लेंगे, और डिसीजन के बगैर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में गलती मत करना डिसीजन नहीं लिखने का, लेकिन वो रिजेक्शन तो करेंगे सर, रिजेक्शन तो करेंगे. और आपने एनपीवी भी निकाल लिया, लेकिन एनपीवी से ही रिलेटेड, यहाँ पे जो आपने एनपीवी निकाला, एनपीवी से ही रिलेटेड एक और टेक्निक है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. वो क्या करता है, वो रेशो बताता है, रेशो क्या चीज का, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो. सो यहाँ पे अगर मैं पीआई रेशियो निकालू तो मेरा इनफ्लो कितना है सर, मेरा इनफ्लो है 3352 अपॉन 4000, मेरा आउटफ्लो देखूंगा तो मेरा पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या आएगा सर, 0.83 या 84, मैं राउंड ऑफ कर लेता हूं 84. क्या बताता है ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, कि एक रुपए के आउटफ्लो के सामने कितना इनफ्लो हुआ आज के तारीख में. एवरीवन राइट, सो अभी जो मैं करने जा रहा हूं, अच्छे से ध्यान देना पब्लिक, इफ पीवीसीआई इज लेस देन पीवीसीओ एंड इफ पीवीसीआई इज ग्रेटर देन पीवीसीओ एंड द थर्ड सिनारियो वेयर बाय पीवीसीआई इज इक्वल टू पीवीसीओ. हाँ, मतलब दिस इज द पॉइंट वेर आई कैन से, वेर आई कैन से क्या क्या क्या, एनपीवी विल बी लेस देन जीरो, एनपीवी ग्रेटर देन जीरो और एनपीवी इक्वल्स टू जीरो. नाउ दिस इज ऑल्सो द पॉइंट, नाउ आई कैन एड बैक वेयर बाय पी आई विल बी लेस देन वन. एवरीवन एनपीवी लेस देन जीरो, पी आई क्या होगा, हमेशा वन से कम होगा. क्यों, क्योंकि आपका कैश इनफ्लो आउटफ्लो से कम है. और आई कैन से एनपीवी ग्रेटर देन जीरो मतलब पीआई विल बी ग्रेटर देन वन, इनफ्लो ज्यादा रहेगा, तो दिस विल बी द पॉइंट वेयर पीआई विल बी इक्वल टू वन. समझ में आ रहा है कैसे कनेक्ट करने का. सो बेसिकली मैं ये सब, मैं डिसीजन तो मेरा एक ही रहेगा ना सर, डिसीजन क्या रहेगा यहाँ पे सर, ये पहले वाले मैं रिजेक्ट करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा और यहाँ पे मैं इनडिफरेंट हूं. एवरीवन राइट, सो एनपीवी लेस देन जीरो आया, इसी का मतलब है पी आई इज लेस देन वन, इन ऑल केसेस रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, अंडरस्टूड. लेकिन एनपीवी ग्रेटर देन जीरो आया मतलब आपका कैश इनफ्लो आउटफ्लो से ज्यादा है तो पी आई विल बी ग्रेटर देन वन, बराबर है एवरीवन राइट. तो आप वहां पर डिसीजन ले सकते हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो मैंने क्या बोला है, चूज द वन विद हाइएस्ट पी आई एंड एनपीवी. अब सर मेरी बात अच्छे से सुनना, ये पीआई कब यूज होता है, सुनो ये पीआई का यूजेज क्यों, प्रैक्टिकल यूजेज क्यों, जब एनपीवी से ही डिसीजन आ जाता है तो पीआई की जरूरत किधर पड़ती है, जरा अच्छे से देखना. आपके पास दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी.
इधर पीवीसीआई और पीवीसीओ में ले रहा हूं और उसके बेसिस पे एनपीवी दोनों प्रोजेक्ट्स का। पीवीसीआई मैं प्रोजेक्ट ए का दे देता हूं 1000 करोड़ है और पीवीसीओ में दे देता हूं 990 करोड़। कितना कमाया मैंने इधर? 10 crore, राइट। वही मैं अगर इधर बोलू 25 करोड़ मेरे को इनफ्लो आया और 15 करोड़ का ही आउटफ्लो गया, तो इधर भी 10 crore। नाउ इफ यू गो ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी, आप क्या बोलते सर? दोनों इनडिफरेंट है, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट करो। क्यों? दोनों में 10 करोड़ मिला इसके लिए, वो मेरा डिसीजन गलत हो जाता। मैं जब एनपीवी सेम आए तो मैं एक क्राइटेरिया और आगे जाऊंगा, मैं ये देखूंगा कि भाई प्रोपोर्शनेटली कितने इन्वेस्टमेंट पे कितना आया। समझ रहा है क्या? तो आप यहां पे 1000 डिवाइडेड बाय 990 करोगे कितना आएगा? 1.01 आएगा, लेकिन इधर करो 25/15 1.67। ये क्या बताएगा कि एक रुपए के आउटफ्लो के सामने एक रुपए ऑलमोस्ट, लेकिन इधर 1.67। ऑफकोर्स बी इज बेटर देन ए। सो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स खास करके कब निकालते हैं? जब एनपीवी से डिसीजन नहीं बन पा रहा है, तो अपन एक स्टेप आगे जाते हैं। एवरीवन, एनपीवी से डिसीजन नहीं बन पा रहा है तो अपन एक स्टेप आगे जाते हैं। अब मेरा एक बहुत खराब आदत है, मैं ये सब चीज को ना, क्योंकि अपना सेगमेंट 3 है तो मैं सेगमेंट 1, 2 से सब कनेक्ट करते रहूंगा। आई होप यू ऑल डोंट माइंड। सो दिस इज यू नो व्हाट, एनपीवी इज एब्सोल्यूट, पीआई इज रिलेटिव। म्यूचुअल फंड में परफॉर्मेंस इवेल्युएशन में आपने ट्रेनोर रेशो किया था विच वॉज रिलेटिव मेजर लाइक पीआई, एंड जेनसन्स अल्फा किया था दैट वॉज एब्सोल्यूट मेजर लाइक एनपीवी। अंडरस्टूड? तो आपको अमाउंट में देखना है कितना ज्यादा आया तो एनपीवी, आपको प्रोपोर्शनेटली देखना है किधर ज्यादा मिला तो पीआई। गेटिंग दैट? सो इट्स वन एंड द सेम थिंग। दोनों डिसीजन तो सेम ही देगा, लेकिन आपको बेटर इवैल्यूएशन में हेल्प करेगा। मार्केट में रियलिटी में एक टेक्निक नहीं यूज होता है, मल्टीपल टेक्निक का कॉम्बो होता है और उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। एवरीवन कंफर्टेबल विद एनपीवी एंड पीआई, राइट? अभी मेरे को एक और टेक्निक आपको कराना है, जिसके बाद आप पूरा सब टेक्निक को कंसीडर करके एक समय साथ में करोगे, राइट? ठीक है, एंड दैट टेक्निक आपने ऑलरेडी यूज किया हुआ है कहीं और पे, एंड दैट इज कहीं और, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं सर, आपने वो टेक्निक यूज कहीं और पे भी किया है। डू यू रिमेम्बर वो टेक्निक का? पहले मैं नाम लिख लेता हूं, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज IRR। IRR एक ऐसा पॉइंट है जहां पे क्या होगा सर, आपके पास जो आज कैश आउटफ्लो है उसके सामने आप कैश इनफ्लो को मैच कर रहे हो ना। आप देख रहे हो कि ये कैश आप कैसे निकालते हो सर, आपने आज प्रोजेक्ट में 100 करोड़ डाला, सामने हर साल समझो आपको 3 साल तक प्रोजेक्ट में, 3 साल तक पहले साल पे आपको 80 करोड़ मिला, दूसरे साल पे आपको 70 मिला, तीसरे साल पे आपको 110 मिला, ऐसा प्रोजेक्ट के अंदर से आपको कैश इन्फ्लोज मिला। आप क्या करोगे, सब कैश इन्फ्लो को डिस्काउंटिंग करोगे कोई तो रेट से फॉर द रिस्पेक्टिव ईयर्स 1, 2, 3, और इसका जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा वो अगर आपके पीवीसीओ को मैच हो जाता है, समझ लो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। सो व्हाट इज IRR? IRR इज द रेट जहां पे प्रोजेक्ट का कैश इनफ्लो इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स मैचेस टू द कैश आउटफ्लो। एवरीवन, मतलब मैं अगर बोलू यहां पे कि समझ लो ये 5 साल का प्रोजेक्ट है, 2, 3, 4, 5, आज आपने प्रोजेक्ट में डाला 99 करोड़ या 95 करोड़, तो थोड़ा प्रिसाइजली लेता हूं 95 करोड़, समझ रहा है? एवरी ईयर आपको प्रोजेक्ट से मिलेगा 10-10 करोड़, और लास्ट में आप जब प्रोजेक्ट सेल ऑफ कर दोगे तो आपको आया 100 करोड़, बराबर? तो आप देखना चाहते हो कि सर ये जो पीवीसीओ है उसको मैच करने के लिए आप क्या करोगे सर, ये सबको डिस्काउंटिंग करोगे और प्रेजेंट वैल्यू पे रहोगे? वो जो डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू पे लाओगे और वो 95 जो पॉइंट पे बने वो डिस्काउंटिंग रेट, उस डिस्काउंटिंग रेट को आप बोलते हो IRR। IRR इज द रेट विच डज व्हाट, विच मैचेस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो।
वही आईआरआर को याद करो, मैं ये प्रोजेक्ट के बदले बॉन्ड्स बोल देता तो ये 95 का आज बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करो, मैच्योरिटी पे 100 मिलेगा, ईयरली कैश फ्लो मिलेगा. दिस इज नथिंग बट आईआरआर इन प्रोजेक्ट इज नथिंग बट वाईटीएम इन बॉन्ड्स. अब ये आईआरआर और वाईटीएम आपने पहले और कहीं पे पढ़ा था, डू यू रिमेम्बर कहाँ पे? टाइम वैल्यू में, कंपाउंडेड रिटर्न में. तब आपने सुनहरे अक्षरों से वहां पे कुछ लिखा हुआ है कि कंपाउंडेड रिटर्न की एक तकलीफ है. वो क्या अज्यूम करता है? कंपाउंडेड रिटर्न अज्यूम ये करता है रिटर्न और उस पे रीइन्वेस्टमेंट रिटर्न सेम, जो प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. कंपाउंडेड रिटर्न अगर मैं बोलता हूं बैंक में मैंने डाला 10% पे, कंपाउंडेड रिटर्न मतलब 100 पे भी 10 मिलेगा और नेक्स्ट ईयर से 110 पे 10 मिलेगा. ये बैंक में मैं डालू क्यूमुलेटिव एफडी में तो सही चीज है, लेकिन प्रोजेक्ट में जब मैं कंपाउंडेड रिटर्न निकालता हूं, प्रोजेक्ट में उसको आईआरआर बोलते हैं, बॉन्ड में जब मैं कंपाउंडेड रिटर्न निकालता हूं तो उसको वाईटीएम बोलते हैं, वहां पे ये प्रैक्टिकली थोड़ा डिफिकल्ट है. क्यों डिफिकल्ट है सर? आपको बॉन्ड से कूपन 10% पे मिलेगा, प्रोजेक्ट से आपको कैश फ्लो मिलेगा, लेकिन वो कैश फ्लो भी सेम रेट पे रीइन्वेस्ट हो अगले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. वाई 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 इट कंसिडर्स री इन्वेस्टमेंट ऑल्सो एट आई आर आर विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, एस्पेशली वेन योर प्रोजेक्ट का आई आर आर इज 30-40%. इतना सब्सटेंशियल रिटर्न हो सकता है लेकिन री इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं हो सकता. समझ रहे हो क्या? ये आई आर आर का तकलीफ है. सो आई आर आर मतलब मैं क्या बोलू? वाई टी एम, एवरी वन वाई टी एम ऑफ द बॉन्ड, इसी को आई आर आर बोलते हैं, कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं. नाउ आई आर आर क्या है कि प्रोजेक्ट से कितना रिटर्न मिला, प्रोजेक्ट से कितना रिटर्न मिला, प्रोजेक्ट से रिटर्न मिलना कितना चाहिए, प्रोजेक्ट से रिटर्न मिलना कितना चाहिए, हाउ मच डू यू वॉन्ट टू अर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट, योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट एवरी वन. सो जर अपन इसको इवेल्युएट करते दोनों के साथ में, कम टू दैट पेज. पहले आईआरआर, आईआरआर रेफर्स, क्या रेफर करता है आईआरआर? आईआरआर रेफर्स रेट ऑफ रिटर्न विच इक्वेट्स क्या सर? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट. आई आर आर इज ऑल्सो नोन एज द एक्चुअल रिटर्न जनरेटेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट ड्यूरिंग इज एंटायर लाइफ स्पैन. मतलब यही चीज को अपन बॉन्ड में क्या बोलते थे? वाई टी एम, यील्ड टू मेच्योरिटी. वो बॉन्ड को मेच्योरिटी तक होल्ड करने पे जो रिटर्न आता है उसको वाई टी एम बोलते हैं, वैसे प्रोजेक्ट को कंप्लीशन तक होल्ड करने पे जो रिटर्न आया उसको आई आर आर बोलते हैं. While NPV also gives us returns generated from the project in amount, IRR on the other hand gives returns in the form of percentage. तो सर एट आई आर आर क्या होगा? एट आई आर आर, एट आई आर आर पीवीसी और पीवीसीआई मैच हो जाएगा, पीवीसी और पीवीसीआई मैच हो जाएगा सर. सो जरा मैं अभी इधर एक स्टेप और आगे जाने की हिम्मत कर रहा हूं, आई होप आप लोग थोड़ा अपने आपको पुश कर पाओगे. आई आर आर इज द पॉइंट वेर पीवीसीआई इक्वल्स टू पीवीसीओ, राइट? मतलब दिस इज ऑल्सो द पॉइंट वेर योर एक्चुअल रिटर्न इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न. याद है, याद याद है इक्विटी में एक्चुअल एक्सपेक्टेड, एक्चुअल एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम, वो इक्विटी का था. पूरे प्रोजेक्ट को अगर आपने डेट से भी फाइनेंस किया तो क्यों वैक? एक्चुअल और एक्सपेक्टेड सेम रहेगा, मतलब ऑन द एसएमएल होल्ड 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 इनडिफरेंट. लेकिन आपने प्रोजेक्ट से कमाना चाहिए था केओ, लेकिन आपने उससे ज्यादा कमाया, उसने ज्यादा कमाया. मतलब सर आपका इफ द आईआरआर ऑन द प्रोजेक्ट इज ग्रेटर देन केओ, मतलब आपने कमाना चाहिए था 15%, आपके प्रोजेक्ट ने दिया आपको 18%. गुड और बैड? गुड. दिस इज द पॉइंट वेर आई विल से पीवीसी आई विल बी ग्रेटर देन पीवीसीओ, एनपी विल बी ग्रेटर देन 0 एंड पीआई विल बी ग्रेटर देन 1 एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. इसी को अपन 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 पोर्टफोलियो में क्या बोलते थे? एक्चुअल रिटर्न ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रिटर्न अबव एसएमएल अंडर वैल्यूड बाय. तो इसी चीज को मैं क्या बोलूंगा? ये वाला पॉइंट है IRR less than KO, actual return less than expected return, below SML, overvalued, sell.
समझ रहे हो क्या? मेरे ये खराब आदत को प्लीज जरा बेयर कर लेना। मैं हजार बार इक्विटी, बॉन्ड, टाइम वैल्यू सब चीज से कनेक्ट करूंगा। आप नहीं कनेक्ट करके उसको इग्नोर कर भी लो तो आपको प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में कोई कुछ रोक नहीं रहा। बट ये सिंस वी आर मूविंग टू द सेगमेंट थ्री, सेगमेंट वन, सेगमेंट टू में बार बार रिलेट करूंगा। दैट विल मेक यू रियलाइज वन थिंग दैट हाउ इंस्टीट्यूट कैन, वेदर दे कनेक्ट और नॉट, व्हेन आई विल स्टडी मेरे दिमाग के सामने पूरा सिलेबस घूमना चाहिए। पूरा सिलेबस सिस्टम वही है, सिर्फ अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है और कुछ नहीं। इक्विटी में उसका अलग नाम है, पोर्टफोलियो में अलग नाम है, बॉन्ड में अलग नाम है, कैपिटल बजटिंग में अलग नाम है। एवरीवन राइट? ठीक है, वही चीज है। तो अपन जरा आईआरआर कैलकुलेट करेंगे। वहां पे बेसिकली आप देखोगे, वहां पे मैंने एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन क्या दिया सर, एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन अगर जैसे आप एनपीवी में निकालते हो, यहाँ पे एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन क्या होगा सर, इफ आईआरआर इज ग्रेटर देन केओ, केओ आई विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, लेस देन केओ तो रिजेक्ट, नहीं तो इनडिफरेंट। बराबर है एवरीवन? राइट, ये एक्सेप्ट रिजेक्ट में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहे। आपके पास पांच प्रोजेक्ट रहे तो आप कौन सा सिलेक्ट करोगे जिसका आईआरआर सबसे ज्यादा है? जैसे आप बॉन्ड्स, चार पांच बॉन्ड में से बेस्ट बॉन्ड कौन सा सिलेक्ट करते हो जिसका वाईटीएम ज्यादा हो, वैसे आईआरआर जिसका सही ज्यादा रहेगा वो सिलेक्ट करेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, चलो। आईआरआर इज कैलकुलेटेड यूजिंग, एवरीवन क्या लिखा है मैंने, ट्रायल एंड एरर और इंटरपोलेशन। बॉन्ड में आप वाईटीएम करते थे अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला, यहाँ पे कर पाना मुश्किल होगा क्योंकि बॉन्ड में कैश फ्लो सेम रहता था तो पीवीआई इफेक्ट कर सकते थे, यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे कैश फ्लो अलग अलग होगा। इसके लिए इसको करने का टेक्निक है जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। एवरीवन ऑन इन क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया है, फोर्थ पे। तो जरा क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आ जाओ पहले। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर पढ़ना दोस्त, क्या लिखा है? हाँ, फॉर द प्रोजेक्ट। तो स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में एट द बिगिनिंग ये क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट मतलब आउटफ्लो। तो सर प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो उन्होंने दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो एट द बिगिनिंग बोला है। एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब इमीडिएट। तो मैं ईयर लिखता हूं जीरो, कितना डालने का अभी 10,000, और दूसरा कभी एंड ऑफ द ईयर मतलब एक साल के एंड पे कितना 3,000। ओके, ये कैश फ्लो प्रॉमिस कर रहा है, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो 5,000 फर्स्ट ईयर में। ओके ओके, 4,000, 3,000, 2,000, दैट्स इट। ओके, ये रिस्पेक्टिव ईयर में मेरे को कैश इनफ्लो प्रॉमिस कर रहा है। आगे, हाँ, आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोला है इन दिस प्रोजेक्ट। ओके, आगे और कुछ दिया है? बराबर, कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल उन्होंने दिया है 10%। मतलब सर मैं 10% पे इवेल्युएट करूंगा तो पहले मैं देख लेता हूं क्या होता है। उन्होंने आईआरआर बोला है, मैं पहले एनपीवी भी निकाल लेता हूं। एनपीवी निकालने के लिए यहां पे डिस्काउंटिंग फैक्टर पहले वाले का 1, इसका 0.91, तो यहां पे 0.91, 0.82 या 3, 83.75.68 राइट। तो जरा निकालो इसका प्रेजेंट वैल्यू, ये 10,000 और ये 3,000 × 0.91, दिस इज 27। तो आपका पीवीसीओ है 12,730 राइट, क्विकली पीवीसी है 5,000 × 0.4550 M+, 3,320 M+, 2,250 M+ और 1,360 M+ MRC 11,480, ये आपका पीवीसी है सर। तो जब अपन एनपीवी निकालेंगे, एनपीवी निकालेंगे तो पीवीसी आई माइनस पीवीसीओ नेगेटिव आया, कितने से 1,250 से नेगेटिव आया सर राइट। अच्छा, मतलब आपको आईआरआर निकालना है। व्हाट इज आईआरआर? आईआरआर इज द पॉइंट जहां पे पीवीसी और पीवीसीओ मैच होना चाहिए, बराबर राइट। अभी क्या हो रहा है, मैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है। मतलब आपका आईआरआर और आपको जितना अचीव करना चाहिए था उसमें 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 इंबैलेंस, डिफरेंस। सो
आपने इधर पढ़ा है ना, ये कब होगा? ये जो आपका नेगेटिव आया है, आपका एनपीवी नेगेटिव आया है, मतलब मैं ये बोल सकता हूं ना, मतलब आईआरआर के लिए क्या चाहिए? एट आईआरआर आई नो पीवीसी आई शुड बी इक्वल टू पीवीसीओ, लेकिन मेरा क्या हुआ है यहाँ पे, सिचुएशन क्या हुआ है सर, माई पीवीसी आई इज लेस देन पीवीसीओ, तो मुझे इससे क्या पता चलेगा कि सर मेरा जो आईआरआर है वो केओ से कम होगा, बराबर ना? देयरफॉर मुझे पता है ये प्रोजेक्ट पे जो एक्चुअल आईआरआर जनरेट होने वाला है वो 10% से कम है। एवरीवन, अगर ये एनपीवी पॉजिटिव आता तो मैं क्या बोलता, आईआरआर इज ग्रेटर देन 10। अब करने का क्या है, अपने को ट्रायल एंड एरर और इंटरपोलेशन करने का है, लेकिन उसके पहले मेरे को एक चीज तो पता है कि एट 10% कितना आ रहा है वैल्यू सर, 11,480। मुझे लाना कितना है सर, 12,780। क्या रेट पे आता है वो लाने का? सो मैं क्या करूंगा, अभी डिस्काउंटिंग 10% पे करके 11,480 आ रहा है, मेरे को 12,730 क्यों लाने का है, ताकि पीवीसी आई पीवीसी मैच हो जाए, वही अपना आईआरआर है। सो भी वैल्यू ज्यादा चाहिए कम चाहिए? ज्यादा चाहिए, तो मैं क्या करूं, डिस्काउंटिंग रेट कम करूं। अभी थोड़ा वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है तो आप एवरीवन क्या करोगे पता है, 7% पे करोगे, 8% पे करोगे, या आप गैप बड़ा भी रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि अपने को अप्रोक्सीमेट करने का। तो एट 5% पे इसको डिस्काउंटिंग करो सर, एट 5% पे क्या करोगे सर, मेरी बात अच्छे से सुनो, यू ऑल नो नाउ हाउ टू डू दैट इन इक्वेशन, 5,000 डिवाइडेड बाय 1.05 m+, बराबर। फिर क्या करोगे, 1.05 डिवाइड इक्वल टू इनटू इक्वल टू, दो बार हो गया डिस्काउंटिंग, इनटू 4,000 एम प्लस, फिर 1.05 डिवाइड इक्वल टू और एक बार इक्वल टू, क्यूब हो गया, इनटू 3,000 एम प्लस, जैसे इक्वेशन में करते थे टाइम वैल्यू में वैसा, 1.05 डिवाइड इक्वल टू दो बार और इक्वल टू इनटू 2,000 एम प्लस में डाल के एमआरसी करोगे तो आपको 5% पे कुछ वैल्यू आएगा। कितना आ रहा है 5% पे, 12,627, 5% पे ये वैल्यू आ रहा है 12,627। अच्छा आपको वैल्यू क्या चाहिए सर, 11,480 से 12,730 चाहिए, ये तो कम आ रहा है, कम आ रहा है ना, आपको और ज्यादा चाहिए, मतलब आप क्या करोगे, अभी 4% पे निकालो जरा, सेम चीज स्टार्ट डूइंग इट एवरीवन, 4% पे, 4% पे निकालो, फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाय 1.04 m+, फिर 1.04 डिवाइड इक्वल टू इंटू 4,000 m+, 1.04 डिवाइड इक्वल टू इंटू 3,000 m+, 1.04 डिवाइड इक्वल टू इंटू 2,000 m+, 12,883 सर। जरा देखो अभी इन दोनों के बीच में वैल्यू, एवरीवन क्या किया मैंने, इंटरेस्ट रेट 6% से कम किया 10 से, तो वैल्यू कितने से बढ़ गया निकाल सकते हो जरा आप बताओ मेरे को, 1,403। मेरे को बढ़ाना किधर है, मेरे को 11,480 से जाना किधर है सर, 12,730 ही जाना है, तो कितना इंक्रीज करना है, 1,250 ही बढ़ाना है, तो मैं इंटरेस्ट रेट कितने से कम करूं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 10% माइनस कितना करूं सर, 5.35%, तो मेरे को क्या मिलेगा सर, ये 4.65% इज माय IRR on the project, and since it is not accurate, I will use approximate. Everyone, आपको प्रोजेक्ट से मिल कितना रहा है सर, 4.65% ही, मिलना कितना चाहिए था, 10%, समझ रहे हो क्या, बहुत कम मिल रहा है, इसीलिए अपन रिजेक्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट। एवरीवन गेटिंग दैट पॉइंट,
राइट कैसे निकालने का, यहां पे आप वो बॉन्ड की तरह PVIFA वगैरह नहीं कर सकते हो. क्यों नहीं कर सकते हो सर? क्योंकि कैश फ्लो सेम नहीं है, एन्यूटी नहीं है, इसीलिए आपको इंडिविजुअली ट्रायल एंड एरर करना पड़े. राइट एवरीवन, चलो आप अपना सॉल्यूशन बुक अभी बंद कर दो. एवरीवन कम टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ सब लोग, जहां पे अभी आपने क्या क्या टेक्निक्स पढ़ी जरा मेरे को पहले बताओ. प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन करने की टेक्निक्स क्या क्या पढ़ी? पेबैक, डिस्काउंटेड पेबैक, फिर एनपीवी और पीआई और आईआरआर. राइट, चलो वो सब टेक्निक को अपन एक साथ करते हैं ताकि उसके बाद अपने को बेसिक्स में कभी इश्यू ना हो और उसके बाद उसका अंडरस्टैंडिंग मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं अपन. हाँ पढ़ो ना दोस्त. बराबर, तो अभी अपना उसका एग्जिस्टिंग मशीन है, बराबर है, वो ऑब्सोल्यूट हो चुका है, मतलब काम से गया है, और अनएबल टू मीट द रैपिडली राइजिंग डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट. हाँ बराबर, तो मशीन ए पे जा सकते हैं या उन्होंने बोला है मशीन बी. मशीन ए और बी में क्या फर्क है? उन्होंने अभी तक क्या बोला है आपको? मशीन ए इज क्या सिमिलर टू एग्जिस्टिंग, या मशीन बी क्या है मोर एक्सपेंसिव भी है और मोर आउटपुट भी देगा. हाँ अच्छा, आपको वहां पे 5 साल के कैश फ्लोस मिले, बराबर है एवरीवन. उसमें यर वो इमीडिएट कैश फ्लो भी दिया हुआ है कुछ. इमीडिएट कैश फ्लो मतलब क्या रहेगा? ऐसा कोई प्रोजेक्ट रहता है क्या जहां पे इमीडिएट कैश इनफ्लो मिले पहले दिन से? तो वो क्या है सर? PVCO दिया हुआ है उन्होंने. कितना दिया हुआ है उधर? 25 लाख. और बाकी के जो 4 साल 5 साल है उसके कैश इनफ्लोज दिए, जहां पे फर्स्ट ईयर पे नील है, फिर 5, 20, 14 और 14. ओके आगे, मशीन बी के केस में आपको PVCO कितना है सर वहां पे? 40 लाख है. और उसके भी आपको 5 साल के कैश फ्लोज दिए हुए सर? हाँ 10, 14, 16, 17 और 15. ओके करना क्या है? हाँ आगे एवरीवन, कंपनी का सीओसी 10% है. अब वो मशीन ए हो या बी हो, कंपनी का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 10%. ओके हाँ ओके, क्या क्या कैलकुलेट करने बोलेगा वो छोड़ो, वो जो भी बोलेगा आप क्या क्या कर सकते हो. पेबैक पीरियड, पेबैक पीरियड के लिए सर आपको क्यूमुलेटिव कैश फ्लो बनाना पड़ेगा. डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड के लिए पहले डिस्काउंटिंग फैक्टर है 10% ढूंढ के, प्रेजेंट वैल्यू निकाल के, फिर आपको क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू बनाना पड़ेगा. राइट एवरीवन, दोनों तरफ. तो यहां पे भी मैं लिख लेता हूं क्यूमुलेटिव कैश फ्लोस और फिर मेरे पास क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू, जिसके लिए मेरे को डिस्काउंटिंग फैक्टर्स है 10% करना है. राइट और फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालना. कहीं पे सब में देखो उन्होंने डिस्काउंटिंग फैक्टर्स दिए हैं क्या, तो वही लेना पड़ेगा, नहीं तो अपन डाल सकते हैं. अपने को पता है डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है, 0.91, 10% का पॉइंट दिया हुआ है, सॉरी माई मिस्टेक, 0.91, 0.83 दिया उन्होंने, नहीं दिया ना 2 डेसिमल 3 डेसिमल, कितना दिया? तो अपन 2 डेसिमल लेंगे और वही लेंगे 0.83 और 0.75, 0.68 और 0.62, बराबर है. ओके मैंने ये टेबल जो ऐसा बनाया है उसके पीछे का मैं आपको टेक्निक बताता हूं. तो यहां पे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो नील, फिर 5, 25, 39, 43, 53, बराबर है. जरा आप मेरे को प्रेजेंट वैल्यू बताओगे कितना सर यहां पे नील? 5 × 0.83, 4.15, फिर 20 × 0.75 करना,
क्यूमुलेटिव वाला नहीं, 15, 19.15, 14 × 0.68 करना, 9.52, 8.68, हाँ 37.35। जरा एक बार चेक कर लो, ये 4.15, 19.15, फिर 9.52 आ रहा है, 28.67 जरा ऐड करो इधर, और 37.35, राइट। अच्छा अब जरा ध्यान दो, क्या क्या कर सकते हैं अपन, हम लोग निकाल सकते हैं पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड इसी में, और इसी में एनपीवी और पीआई। जरा ध्यान देना कैसे, पे बैक पीरियड एवरीवन, पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड कितना चाहिए, 25, सीधा आ गया थर्ड ईयर, सो पे बैक पीरियड 3 इयर्स। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड आपको 25 से कब आ रहा है, 3+ something, तो थर्ड ईयर तक में आया सर आपको 19.15, कितना चाहिए और 5.85, और उस साल में कितना आ रहा है 9.52 आएगा, ये कितना आपको 3.6 1 इयर्स। एनपीवी पीवीसीआई कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, ये पीवीसीआई क्यूमुलेट टोटल भी मार लिया है ना आपने, बराबर है, तो आपका पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ, मतलब मैं बोल सकता हूं 37.35 माइनस 25, दैट इज 12.35 लैक्स, राइट। और पीआई दोनों का रेशो वो 1 से ज्यादा रहेगा, 37.35 अपॉन 25, 1.49, दो डेसिमल में कर सकते हो दोनों तरफ, ठीक है। लेकिन एक और चीज आपको करने का है, उसके साथ उन्होंने बोला हो या ना बोला हो, वो है आईआरआर। आईआरआर के लिए मैं हिंट दो क्या होगा यहाँ पे, सिंस पीवीसीआई इज ग्रेटर देन पीवीसीओ, आपका ओरिजिनल रिटर्न 10 से ज्यादा, तो आप क्या करोगे सर, एट 10% पे तो आपको पता है वैल्यू कितना है 37.35, आपको लाना 25 है, सो आप सीधा 15 के गैप में भी कर सकते हो। जरा देखो एक बार 15 में क्या आता है, जरा कैश लो 15% से डिस्काउंट करके देखो, 15 पे नहीं आया तो बड़ा वाला डिस्काउंटिंग रेट लेना पड़े आपको, पहले साल से तो कुछ नहीं है, सीधा सेकेंड ईयर से लेना पड़े, कौन सा कैश फ्लो लेना, क्यूमुलेटिव वाला नहीं, घाई मत करना, कैश फ्लोज लेना, कितना 34 ही आ रहा है 15 पे, तो थोड़ा गैप बढ़ा दो, एक काम करो 25 ले लो, 25% ले लो, पच्चीस परसेंट पे आप करोगे तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगा, एनीवन अभी आपका कैलकुलेशन क्विक होना चाहिए, कितना 25% पे 20 क्या, 25% पे हाँ 23.76 इज द आंसर सर, तो मैंने 15% बढ़ाया, वैल्यू कितने से गिर रहा है जरा बताओ मेरे को, 37.35 माइनस 23.76, 13.59 से फॉल हो रहा है, मेरे को कितने से गिराना है वैल्यू, 37.35 से 25, मतलब मेरे को तो 12.35 ही लेस करने का है, तो मैं रेट कितने से बढ़ाऊ, वो होगा आपका आईआरआर। आप क्या करोगे, 10% प्लस कितना 13.63, मतलब आपका होगा 23.63% अप्रोक्स, समझा क्या पब्लिक, राइट, ठीक है, स्टार्ट डूइंग इट फॉर मशीन ए एंड देन मशीन बी। मैडम ट्रायल एंड एरर, आप कैलसी पे सुनो मेरी बात, कैलसी पे ये जो कैश फ्लोज दिख रहा है आपको, एक एक को इक्वेशन के फॉर्म में डालो, जैसे पहला कैश फ्लो तो कुछ है ही नहीं, सेकेंड कैश फ्लो क्या है आपका, क्या है 5 ना,
तो 5 को डिस्काउंट करो 25% से, तो क्या करोगे आप यहाँ पे करोगे 5 डिवाइडेड बाय 1.25 एक साल का, लेकिन ये दूसरे साल के एंड पे ना, तो रेस्ट 2। फिर उसके बाद कैश फ्लो क्या है 20 तीसरे साल में, तो उसको 3 साल से डिस्काउंट 1.25 क्यूब। फिर 14 1.25 4 और फिर 14 1.25 रेस्ट टू 5। सो अभी कैलसी में एक एक करके डालो, मैं आपको बता रहा हूं एवरीवन। पहले ना 1.25 डिवाइड इक्वल टू करो, किया इनटू इक्वल टू, ये समझना भैया क्या किया, ये दो बार डिस्काउंटिंग मारा इनटू 5 करके एमप्लस में डालो बराबर। अभी ये 1.25 का डिस्काउंटिंग करो तीन बार, 1.25 डिवाइड इक्वल टू क्या ना इनटू इक्वल टू स्क्वायर होता है और एक बार इक्वल टू क्यूब होता है इनटू 20 एम प्लस बराबर। अभी वैसे ये चार बार वाला करो 1.25 डिवाइड इक्वल टू इनटू इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू क्यूब इक्वल टू 4 इनटू 14 एम प्लस बराबर है। अभी मेरी बात सुनना मैडम, इधर और इधर सेम अमाउंट है, ऑलमोस्ट 14 ही है, लेकिन एक और बार डिस्काउंटिंग करना है, तो आपके कैलसी में जो पड़ा हुआ है ना फिगर डिवाइडेड बाय 1.25 करो, इक्वल टू मारो पहले, क्या क्या पता चला, ये तो था ही, एक और बार डिस्काउंट कर डाला एम प्लस में और एमआरसी क्या आया 23.76 आया ऐसा। ये भी क्या, ये लोग टाइम वैल्यू में बॉन्ड में इक्विटी में ये आदत डलवा दिया इन लोग को, इसके लिए डोंट वरी वो तुमको हो जाएगा वो। डिस्काउंटिंग 0.91, 0.83, 0.75, 0.68, 0.62 प्रेजेंट वैल्यू 9.1 यहाँ पे आपके पास 9.1, 11.62, 12, 11.56 or 30 that will give you cumulative ek to cash flow 9.1072 32.72 28 58। thank you ठीक है, आगे का पब्लिक कर सकते हो, पे बैक डिस्काउंटेड पे बैक एनपीवी और पीआई पे बैक में आपको चाहिए 40 लाख, 40 लाख तीसरे साल में ही आ जा रहा है इधर। सो यहाँ पे बैक पीरियड इज 3 इयर्स, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड आपको 40 आ रहा है थर्ड प्लस समथिंग, सो 3 प्लस आपको चाहिए 7.18 और 7.28 चाहिए एंड उस साल में आ रहा है 11.56, सो दैट इज गोना बी 3.63 एनपीवी पीवीसीआई आपने निकाला हुआ है 53.58 माइनस 40, तो यह आएगा आपको 13.58 लाख और पीआई विच इज 53.58 अपॉन 40 विच विल बी 1.34। ठीक है, आईआरआर के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा, उसमें से एक वाला तो है आपके पास 10% पे 53.58, आपको 20 और 25 थोड़े बड़े बड़े फिगर लेने पड़ेंगे वहां पे, आप 25% का भी रेंज ले सकते हो क्योंकि फिगर में डिफरेंस ज्यादा है, तो 15%
क्या आ रहा है 25% पे 37.03 इज द आंसर 37.03 तो वैल्यू गिर जाता है कितने से 15% 5 से गिर जाता है अपने को तो सिर्फ कितना 13.5 फीट माइनस करना है 40 लाने के लिए सो दैट विल बी कितना परसेंटेज 12.31% विच शुड गिव यू 22.31% जैसे आपका सम हो जाए सर रुक जाना वहां पे क्राइटेरिया पेबैक पीरियड डिस्काउंटेड पेबैक एनपीवी पीआई और आईआरआर मशीन ए का 3 इयर्स मशीन बी का भी 3 इयर्स इसका 3.61 इयर्स 3.63 इयर्स एनपीवी इसका 12.35 लाख और इसका 13.58 लाख पीआई इसका 1.34 और आईआरआर इसका 23.63% 22.31% सर अगर आपका कैलकुलेशन हो गया है तो जरा बोर्ड पे ध्यान देना 2 मिनट मैंने ये 5 क्राइटेरिया यूज किए जो अभी तक आपने सीखे टू इवेल्युएट द प्रोजेक्ट मैं एक क्राइटेरिया पे डिपेंड ना रह के मल्टीपल क्राइटेरिया यूज करता हूं बराबर है सो दैट आई कम टू अ बेटर डिसीजन बट एट टाइम्स मल्टीपल क्राइटेरिया ऑल्सो बैकफायर्स बिकॉज इट गिव्स कंफ्लिक्टिंग रैंकिंग्स हाउ जैसे कि यहां पे मैं डिसीजन देखू तो इनडिफरेंट लेकिन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड जिसका कम हो वो बेटर तो मशीन ए पे जाता है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड बोलता है मशीन ए सिलेक्ट करो एनपीवी बोलता है बी सिलेक्ट करो पीआई ज्यादा हो वो बेटर तो ए और आईआरआर भी ए की तरफ करने का क्या करने का क्या करने का क्या हाँ वेन लिसन इट वेरी केयरफुली वेन देर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रैंकिंग राइट और वेन एवर यू आर स्टक इन एनी डिसीजन मेकिंग इन फाइनेंस थिंक ऑफ द वन हु हैज हायर्ड यू कौन कौन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यू आर वर्किंग फॉर द कंपनी राइट यू आर वर्किंग फॉर द शेयर होल्डर्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ शेयर होल्डर को सबसे ज्यादा पैसा किस फॉर्म में आ रहा है अमाउंट 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 किधर 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 एनपीवी इज द क्राइटेरिया एनपीवी इज द क्राइटेरिया Whenever there is conflict of rankings. अब इसको समझने के लिए मैं यहां पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं जरा अच्छे से सुनना पब्लिक आपके पास अज्यूम करो कैपिटल है 100 करोड़ रुपए का कैपिटल है कंपनी के पास ऑलरेडी कंपनी ने मार्केट से कैपिटल रेज कर लिया है 100 करोड़ का ठीक है फ्री में किया है क्या उसमें मीटर चालू है आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अचीव करना है ना के ओ के ओ अब आपके पास मैं 2 प्रोजेक्ट देता हूं सर प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी प्रोजेक्ट ए में आप डालोगे 30 करोड़ बराबर है ये पीवीसीओ तो आपको आएगा वहां पे 38 करोड़ मतलब आपको 8 करोड़ बन रहा है प्रोजेक्ट ए में ऑल राइट ये आपका पीवीसीओ ये आपका पीवीसीआई तो आपको एनपीवी आ रहा है प्रोजेक्ट ए में 8 करोड़
प्रोजेक्ट बी आप डालोगे, प्रोजेक्ट बी उसमें आपने डाला 80 करोड़, बराबर, और आपको मिला वहां पे 90 करोड़, कितना मिला? 10 करोड़। कौन सा प्रोजेक्ट डाल लेना चाहिए? आप खुद का पैसा लगा ऐसा सोचो, कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करोगे? इफ यू हैड टू टेक अ डिसीजन ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स, व्हिच प्रोजेक्ट विल यू गो फॉर? ए और बी, ए और बी, ए और बी। आई नीड आंसर्स। क्या ए और बी? बी, बी। दोनों में से एक ही लेने का? कौन सा लोगे? नहीं, कैलकुलेशन का है कि जरूरत है इधर नहीं निकालने का, क्योंकि आपका और मेरा गोल क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर के वेल्थ में क्या जा रहा है? 8 और 10, क्या जाता जाएगा? 10। आई सिलेक्ट एनपीवी। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि मैं एनपीवी है क्या जरा समझू। ये आप जो मैं डिसीजन ले रहा हूं ना, ये वाला, उसके लिए बहुत जरूरी है कि व्हाट इज एनपीवी। अब एनपीवी, 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 नेट प्रेजेंट वैल्यू। व्हाट इज एनपीवी? व्हाट इज एनपीवी? व्हाट इज एनपीवी सर? एनपीवी इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। राइट, राइट एवरीवन, आपने भी पढ़ा ही है, मैंने भी ये पढ़ा है। ओके, अच्छा अच्छा, आपने एक और चीज पढ़ा, क्या पता है? इफ एनपीवी, इफ एनपीवी इज ग्रेटर देन जीरो, क्या? एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। एनपीवी इज लेस देन जीरो, रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। एंड एनपीवी इज इक्वल टू जीरो तो इनडिफरेंट, बराबर ना? तो यहां पे ये वाले एग्जाम्पल के अलावा मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं ए और बी का, जहां पे दोनों में, अभी समझ लो यहां पे पब्लिक, या फिर एक सिंगल कंपनी का प्रोजेक्ट देता हूं एक्स, उसमें आपने पीवीसी आई और पीवीसीओ, आपने प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग किया, आपके बॉस ने आपको बोला चल दोस्त इसका प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कर और तू बता मेरे को क्या करने का, प्रोजेक्ट इवेल्युएट कर, कैपिटल बजटिंग कर। तो मैंने बोला सर इसका पीवीसी 100 करोड़ आ रहा है, पीवीसीओ भी 100 करोड़ आ रहा है, एनपीवी जीरो। तो मेरे को सर ने बोला सर एनपीवी जीरो क्या करने का, मैंने बोला सर इनडिफरेंट, आपको जो करना है करो। विल दैट बी माई डिसीजन? एट एनपीवी जीरो शुड आई इन्वेस्ट और नॉट इज व्हाट आई नीड एन आंसर। Yes or not? Yes or not? आप अपना पैसा लगा ऐसा सोचो, आपने 100 करोड़ डाला प्रोजेक्ट में पब्लिक और 100 करोड़ का इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में, नेट नेट नेट, ये जाने दो, ये जाने दो, छोड़ो छोड़ो। अभी प्रैक्टिकली सोचना, आपने 101 करोड़ का आया पीवीसी है, एनपीवी कितना? 1। एक्सेप्ट रिजेक्ट, except apparently you used, right? Now what if it was your money? What if it was your money? What if it was your money? Public, करते क्या आप? सच्ची बोलना, मम्मी कसम खा के, 1 करोड़ के लिए कौन 100 करोड़ डालता? बराबर बराबर, that is the myth, that is the myth। मैं ये वाले पे भी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करूंगा और मैं जीरो पे भी एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि मैं एनपीवी को प्यार से समझा ही नहीं, मैं एनपीवी को समझा ही नहीं, एनपीवी क्या बोलता है, सिलेबस क्या बोलता है, एनपीवी जीरो इनडिफरेंट। आई चेंज दैट थिंग फॉर यू राइट नाउ, बट आप सब में मत करना एग्जाम में, मैं आपको बता रहा हूं सिस्टम क्या है। एनपीवी नाम के अंदर जाओ, नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो कैसे निकलता है? प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो, तो उसका नाम तो होना चाहिए था नेट कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो नेट, ऐसा होना चाहिए था ना उसका नाम, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो तो नेट कैश इनफ्लो, प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में होना चाहिए था, उसका नाम प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो नेट ना रख के एनपीवी रखा। एनपीवी, एनपीवी, व्हाई, व्हाई, दैट इज समथिंग दैट वी हैड टू आस्क, उसका नाम एनपीवी क्यों है? क्यों वो कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो नेट कैश इनफ्लो ना होके एनपीवी है? अच्छा, आपने प्रोजेक्ट में कैश फ्लोज आपको आने वाला है फ्यूचर में कैश इनफ्लोज कुछ, उसको ऑलरेडी किसी चीज से आपने डिस्काउंट किया, क्या क्या रेट से डिस्काउंट किया? कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वैक। व्हाट इज दैट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? वेट ऑफ डेट इनटू कॉस्ट ऑफ डेट, वेट ऑफ इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी,
क्या बताता है वो कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी? वो ये बताता है कि आपके शेयर होल्डर को कितना रिटर्न चाहिए। अब शेयर होल्डर को जितना रिटर्न चाहिए उतना मैं डिस्काउंटिंग रेट में डाल के प्रेजेंट वैल्यू पे लाया कैश फ्लो को। मतलब वो इटसेल्फ क्या बता रहा है कि वो कैश फ्लो में से तुमने तुम्हारे शेयर होल्डर को जितना देना है वो निकालने के बाद कितना बचा। सो जब मेरा एनपीवी जीरो आता है, मतलब मेरा पीवीसीआई पीवीसीओ जितना हो गया, मतलब वो पॉइंट जहां पे एक्चुअल रिटर्न इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गया या आईआरआर इक्वल्स टू केओ हो गया। अगर तुमने प्रोजेक्ट से कमाना चाहिए था 15% और तुमने 15% कमाया तो क्या गलत किया? तुमने तुम्हारे इक्विटी शेयर होल्डर्स और डेट शेयर होल्डर्स को जितना रिटर्न चाहिए था उतना तो दे दिया ना। उसके बाद कंपनी में जीरो है, जीरो जीरो, व्हाट इज जीरो? जीरो मतलब आपका कोई ब्रेक इवन नहीं हुआ है। जीरो मतलब क्या हुआ है कि आपने अपने शेयर होल्डर को सेटिस्फाई किया। व्हाट्स रॉन्ग? व्हाई शुडंट आई एक्सेप्ट सच प्रोजेक्ट्स? मैं करूंगा, डेफिनेटली करूंगा, क्योंकि शेयर होल्डर ने जितना मेरे को बोला था रिटर्न लाने या डेट होल्डर ने जितना रिटर्न बोला था लाने, दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो मैंने अचीव कर लिया। अब अगर प्रोजेक्ट से एक रुपया भी एक्स्ट्रा आता है, 1 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा आता है, तो ये सब किधर जाएगा सर? ये सीधा जाएगा एक्स्ट्रा पैसा सबको देने के बाद किधर जाता है सर? सर सर सर, शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिटेन अर्निंग्स। शेयर होल्डर फंड किसको बिलोंग करता है सर? इक्विटी शेयर्स को। उससे क्या होता है? कंपनी का नेटवर्थ बढ़ता है, कंपनी का वैल्यू बढ़ता है, इसके लिए उसको एनपीवी बोलते हैं। एवरीवन, सो अब जरा अच्छे से समझो। एलएनटी ने प्रोजेक्ट अनाउंस किया, एलएनटी ने प्रोजेक्ट अनाउंस किया, उसने बोला कि हम लोग प्रोजेक्ट में 5000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले आज, 5000 करोड़। अब मैं एलएनटी का बैकग्राउंड चेक करता हूं और मेरे को पता है एलएनटी है ना अपने ऑन एन एवरेज प्रोजेक्ट पे 10% एनपीवी जनरेट करता है, 10% एनपीवी जनरेट करता है, मतलब 5000 करोड़ पे वो कितना जनरेट करेगा सर? 500 सीआर जनरेट करेगा एनपीवी, 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 राइट राइट राइट। अब अगर मैं बोलू एलएनटी के पास 10 करोड़ शेयर्स है तो पर शेयर वो 50 रुपया एक्स्ट्रा जनरेट करेगा। एलएनटी का शेयर प्राइस 50 रुपए से ऊपर होना चाहिए तुरंत प्रोजेक्ट अनाउंस करते ही, 50 रुपए से ऊपर। क्यों? क्योंकि वो आज के तारीख में इतना इजाफा करेगा शेयर होल्डर फंड में। अगर वो जीरो भी कर रहा है, जीरो भी, देन डू इट्स गुड, अपने शेयर होल्डर्स का क्लेम सेटिस्फाई करेगा। हाँ, जीरो से कम कमा रहा है, मतलब वो लॉस नहीं कर रहा है, वो लॉस नहीं कर रहा है, शेयर होल्डर्स को जितना चाहिए उसे कम दे रहा है। समझ रहे हो क्या? दैट इज व्हाट एनपीवी इज। समझा पब्लिक? मतलब थियरी अपने को क्या बोलता है, सिलेबस एनपीवी जीरो इनडिफरेंट ना। आप जब कल सवेरे जॉब पे जाओगे तो आपका एनपीवी जीरो आता है, मतलब आपके शेयर होल्डर को जितना पैसा चाहिए उतना आप दे रहे हो, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। प्लस वन है, मतलब एनपीवी ग्रेटर देन जीरो है, पीआई ग्रेटर देन वन है, तो सब पैसा शेयर होल्डर फंड में एड होने वाला है, उससे शेयर प्राइस ऊपर जाने वाला है। अब जरा ये प्रोजेक्ट में आओ, मेरा मकसद क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर के खाते में ज्यादा से ज्यादा पैसा जाना चाहिए, परसेंटेज तेल लेने गया। मैं कैपिटल लाया ही हूं ना उसके लिए, तो इधर 8 और इधर 8.10 भी है, तो आई गो फॉर दैट। अंडरस्टूड एवरीवन? बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि सर एक काम करो ना, ये 30-30 वाले दो प्रोजेक्ट में डाल दो। ऐसा भी आता रहेगा ना, ऐसा भी आता रहेगा, मतलब इधर एक ब्रिज बनाने वाला जबरदस्ती दो बनाओ, नहीं ये ब्रिज 3 किलोमीटर का, उसका 30 करोड़ का ही खर्चा होगा, वो 10 किलोमीटर का ब्रिज है, उसका 80 करोड़ का खर्चा होगा। आप नहीं कर सकते वैसा, कर सकते हो तो अलग बात है, तो मैं वो कंसीडर ही नहीं करता। सो माय एंटायर मकसद, माय एंटायर पर्पस बिकम्स व्हाट? मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ या वैल्यू या शेयर होल्डर फंड या नेटवर्थ, आप जो भी नाम दो, जिससे क्या होगा, शेयर होल्डर के वैल्यूएशन में इजाफा होगा। इसके लिए अपन उसको एनपीवी बोलते हैं। सो वेन एवर देर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रैंकिंग्स, आर ओनली क्राइटेरिया ऑफ चूजिंग विल बी एनपीवी। एवरीवन जरा सम के वहां पे नीचे देखो मैंने क्या लिखा है, एक एक करके सॉल्यूशन पे। पीडीएफ
मतलब आप है अंडर कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट वी सिलेक्ट द प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी ओनली. Therefore, in this case, with the sole objective of, क्या है अपना sole objective? Maximization of shareholders' wealth. आपने और मैंने कसम खाया है shareholder के wealth का maximization करना. And therefore, we select, कौन सा sir? Machine B को select करेंगे, क्योंकि NPV के basis पे वो है. ठीक है, क्या लिखा मैंने उसके नीचे? Important points of NPV. NPV is the value earned after considering, क्या considering? The required return to be achieved by the entire capital, on the entire capital invested in the project. I'll repeat, NPV is the value earned after क्या considering the required returns जो आपको अचीव करना है किस पे जिन्होंने आपको कैपिटल दिया है आपको जिन्होंने कैपिटल दिया है उस पे जितना अचीव करना है दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसको डिस्काउंट करके जो वैल्यू आया वो अगर पीवीसीओ से ज्यादा है तो वो एनपीवी पॉजिटिव है. Therefore, a positive NPV is the additional value, additional extra value generated after paying back to all the capital providers and the surplus belongs to किसको सर किसको जाता है रिस्क का पैसा equity shareholders को. This amount therefore increases the net worth or the value of the shareholders and therefore it is called as NPV. Understood? The ultimate objective of capital budgeting or any investment is क्या increase in the shareholders wealth and therefore we select the project on the basis of NPV. हाँ तो पीआई कब लेने का जब मैंने क्या बोला एनपीवी ही सेम हो तब पीआई पे जाओ. सो क्या लिखा मैंने ओनली इन द केस व्हेन एनपीवी सेम देन ओनली वी टेक अदर क्राइटेरियाज इनटू कंसीडरेशन. फिर अब अदर क्राइटेरिया में कोई भी ले सकते हो. इन द अबव केस मशीन बी वॉज सिलेक्टेड सिंस इट हैज क्या हायर एनपीवी. बाकी सब क्राइटेरिया में भले वो पीछे है लेकिन एनपीवी अपना माई बाप एंड इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द कंपनी वुड लाइक टू अर्न मोर इन एब्सोल्यूट फॉर्म. कंपनी को मैक्सिमाइजेशन अमाउंट चाहिए परसेंटेज में. ठीक है until and unless both are satisfying the claims of shareholders I am okay then my focus changes to maximization of wealth. Understood right? बराबर. दूसरा अपन IRR पे इतना निर्भर क्यों नहीं करते क्योंकि IRR क्या करता है by default assume करता है क्या सर यहां पे दोनों प्रोजेक्ट का IRR कितना है 23.63 और इसका 22.31. आपको प्रोजेक्ट से 20-23% या 25% अचीव करना सही है लेकिन आप जब री इन्वेस्टमेंट करने जाओगे उसका पैसा आप बैंक एफडी वगैरह में करने जाओ या आप रिस्क फ्री एसेट में करने जाओ री इन्वेस्टमेंट जो पैसा आया है वो सर वो जरूरी नहीं है कि आपको वो उतना ही 25-30% रिटर्न दे. इट इज टू मच. बहुत सारे लोग बोलते हैं सर दूसरे प्रोजेक्ट में पैसा डालो तो दूसरे प्रोजेक्ट में क्या गारंटी कि वही रिटर्न आएगा उससे कम ज्यादा भी हो सकता है. सो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल है IRR. तो लिखा है मैंने क्या प्रॉब्लम्स विद IRR. द कंसेप्ट ऑफ IRR बराबर जो अपना YTM में भी इश्यू था इज बेस्ड ऑन कंपाउंडिंग रिटर्न्स विच कंसीडर्स क्या री इन्वेस्टमेंट ऑल्सो एट IRR. दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल व्हेन द रिटर्न्स आर एक्सेप्शनली हाई और लो व्हेन कंपेयर टू द री इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लाइक रिस्क फ्री सिक्योरिटी और एनी अदर प्रोजेक्ट. दूसरा पब्लिक एक चीज जरा ध्यान रखो अपने कैपिटल बजेटिंग में ना जो अपने को ज्यादातर समझे वहां पे क्या है पता है इनिशियली कैश आउटफ्लो है वन टाइम और ओवर द पीरियड इनफ्लो ही है. ये सब चीज को आप एक्सेल शीट पे प्लॉट करोगे तो IRR निकालना बहुत इजी है एक्सेल शीट पे फंक्शन है. लेकिन लेकिन आप मल्टीपल कैश आउटफ्लो और इनफ्लो या आप साइन चेंज करोगे ना बीच में तो IRR बहुत ज्यादा डिवेट हो जाता है वो ट्रू पिक्चर नहीं बताता. और कभी कभार है ना आपको कैश इनफ्लो आउटफ्लो ज्यादा हो गया तो IRR वो एरर भी देता है एक्सेल पे. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट IRR में बहुत डिविएशन होता है इट इज नॉट रिलायबल. प्रैक्टिकली रेप्लीकेट करना तो डिफिकल्टी है क्योंकि री इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है लेकिन वो IRR जो दिख रहा है ना वो अचीव करना भी बहुत डिफिकल्ट है. अचीव करना भी डिफिकल्ट और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि उसके कैश फ्लोस में माइनर चेंज करो IRR बहुत डिविएट हो जाता है. ये अपन एक्सेल शीट पे ट्राई करो तो यू कैन अंडरस्टैंड इट्स टू मच ऑफ डिविएशन. इसकी वजह से क्या हो जाता है IRR also results in huge deviation especially when a minor change is made in the estimated cash flows and also with multiple cash outflows or by altering the cash flows it becomes difficult to calculate IRR and the substantial change in it increases its ambiguity. तो IRR बहुत ambiguous result देता है इसके लिए अपन IRR पे इतना ज्यादा depend नहीं करते. आप बॉन्ड पे भी YTM पे डिपेंड नहीं कर सकते हो लेकिन बॉन्ड में अपन डिपेंड करते हैं फॉर द रीजन क्योंकि आपके कैश फ्लोज सर्टन है. समझ रहे हो क्या कैश फ्लो सर्टन है यहां पे कैश फ्लो सर्टन नहीं है तो माइनर कैश फ्लो चेंज में
बहुत डिविएशन हो जाता है IRR इसके लिए, राइट एवरीवन? सो दिस इज वन सम जो आप बिगिन करके एक बार अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हो ये सब पढ़ पढ़ के, क्या पे बैक, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, एनपीवी, पीआई, IRR, दिस इज दैट वन सम दैट यू ऑल कैन जस्ट गो थ्रू इट, राइट? ठीक है, चलो आपको 2-3 मिनट का ब्रेक चाहिए तो ले लो, फिर अपन बाकी का करते हैं। नहीं नहीं LDR कर लो एक बार देख लेने का, और कुछ नहीं। हाँ इसमें एक बार इट्स अ गुड वार्म अप, ये वाला आप सम करो तो वार्म अप हो जाए, और कुछ नहीं। अब आपने ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन स्ट्रक्चर, ही डिसीजन स्ट्रक्चर जरा देखोगे तो क्या आपने कॉस्ट रिडक्शन, रेवेन्यू एक्सपेंशन, तो ज्यादातर आपको जो सम्स आए हैं रिसेंटली से लेके पास तक अंडर कैपिटल बजटिंग, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन विद रिगार्ड्स टू मशीन्स, सो वेदर यू शुड बाय मशीन ए और बी, अंडरस्टूड? ये ज्यादातर अपने को सम्स इस बारे में। सो एवरीवन उसका एक सैंपल मैं पहले यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे करने का, सो दैट अपन आगे जाके उसको रेप्लीकेट करें। थोड़ा कॉम्प्लेक्स करूंगा मैं, अभी बेसिक चीज करूंगा फिर उसमें डिफिकल्टी डालूंगा। सो वहां पे क्वेश्चन नंबर 5 में, एवरीवन राइट, क्वेश्चन नंबर 5, देर आर टू मशीन्स अवेलेबल इन द मार्केट हुज डिटेल्स आर एज फॉलोस, एवरीवन, मशीन ए एंड मशीन बी, दो मशीन अपने को दिया हुआ है। आई विल राइट मशीन ए एंड मशीन बी, ओके। दोनों के डिटेल्स में देखोगे तो आपको कॉस्ट दिया हुआ है, ये कौन सा कॉस्ट रहेगा सर? अभी के अभी मशीन में इन्वेस्ट करने का कॉस्ट, जिसको मैं नाम यूज करता हूं कैपिटल कॉस्ट, आई यूज दैट एज कैपिटल कॉस्ट, एवरीवन, कैपिटल कॉस्ट मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, ओके। अब जरा आप नोटिस करोगे ना तो क्या क्या आउटफ्लो है क्या और क्या क्या इनफ्लो, उसको सेग्रीगेट करना अभी से सीखो। सो अभी जरा मैं देखूंगा आउटफ्लो में एक कैपिटल कॉस्ट आएगा, उसके बाद लाइन में क्या आएगा सर? एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगा, लेकिन सैलवेज किधर जाएगा? इनफ्लो में। उन्होंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल टैक्स रेट दिया है और उसके बाद नीचे डेप्रिसिएशन भी बोला है, इज बेस्ड ऑन SLM, SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, इवेल्युएट विच मशीन शुड बी सिलेक्टेड एंड व्हाट शुड बी द सेविंग्स इन द केस ऑफ सेम, बराबर? अभी जो आपको इंफॉर्मेशन दिया है उसमें मैं क्या करूंगा, PVCO और PVCI में बाइफरकेट कर दूंगा सबको, एवरीवन। सो PVCO में लाइन में वहां पे कैपिटल कॉस्ट आएगा पब्लिक, सो कैपिटल कॉस्ट कितना लिखूं मैं मशीन ए का? 1 लाख, लेकिन अब मैं लिखूंगा 1 लाख इंटू 1, क्या? टाइम फैक्टर। सो यहां पे मेरा कॉस्ट रहेगा सर 1 लाख। वही चीज मैं बी में लिखूं तो बी का कॉस्ट कितना है सर? 1,30,000 इमीडिएट है, तो 1,30,000 इंटू 1 दैट इज 1,30,000, बराबर, ओके। अच्छा आगे नेक्स्ट चीज जो लाइन में आपको आएगा क्या है सर वहां पे कॉस्ट में कुछ पीवीसीओ में सर? एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऐसा दिया उन्होंने एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, कितना दिया एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट? 12,000। अभी जरा ध्यान देना, 12,000 तो एवरी ईयर होगा, बराबर है? क्या है एवरी ईयर मतलब होगा तो मैं लिखूंगा PVIFA, क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल? 10% फॉर कितना साल? 2 years, लेकिन क्योंकि ये एक्सपेंस है, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है, सब अपन करेंगे 1 माइनस टैक्स, टैक्स रेट क्या है? 0.4, समझ में आ रहा है? उसका मशीन बी का कितना है एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट? 8,000 इंटू, मैं वो भी करूंगा 1 माइनस 0.4 इंटू PVIFA फैक्टर करूंगा, इसका भी PVIFA 10% फॉर 2 years। आप क्या करोगे मेरे को 10% 2 ईयर का फैक्टर या तो उन्होंने दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो आप 2 डेसिमल में बताओगे, 1.74, तो मैं 1.74 से मल्टीप्लाई करूंगा, आई शुड गेट समथिंग, कितना आएगा जरा करो, 12,000 इंटू 0.6 इंटू 1.74, 12,528, एवरीवन, और इस तरफ 83,
5-2 एवरीवन। जरा लाइन में देखो कुछ और पीवीसी हो, पीवीसी हो, पीवीसी हो, कोई कैश आउटफ्लो में नहीं। आई क्लोज डाउन माई पीवीसी ओ ईयर। सो मैं यहाँ पे पीवीसी ओ करूंगा तो यहाँ पे 1,12,528 एंड दिस विल बी 1,38,352 एवरीवन। अब मैं आता हूं सेकेंड चीज पे, पीवीसीआई मैं करूंगा तो यहाँ पे मैं पीवीसीआई लूंगा। सबसे पहले लाइन में क्या दिया है सर, मैं लूंगा वहां पे सैलवेज, सैलवेज दिया है उन्होंने बराबर। कितना दिया है, 15,000 इसका और उसका 40,000। आप अगर नोटिस करोगे तो मशीन भी महंगा है इसीलिए उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है और सैलवेज ज्यादा। मशीन बी के सामने मशीन ए सस्ता है लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है और सैलवेज भी कम। राइट एवरीवन, ठीक है। हाँ तो अब ये 15,000 है इनटू, मैं क्या करूंगा सर, इनटू मैं करूंगा पीवीआईएफ, एक बार आएगा 10% फॉर 2 years। इधर भी इनटू करूंगा मैं पीवीआईएफ 10% फॉर 2 year का। आप मेरे को 2 डेसिमल का फैक्टर बताओगे, 0.83 से मल्टीप्लाई करना, ऑन बटन प्रेस करके याद रखना, डायरेक्टली मत कर देना। 12,450 और इधर 33। अब वेरी इंटरेस्टिंग पब्लिक, मैं लिखने जा रहा हूं डेप्रिसिएशन, लेकिन डेप्रिसिएशन तो कैश इनफ्लो या आउटफ्लो ही नहीं, तो मैं क्या लिखने जाऊंगा, टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन या टैक्स बेनिफिट ऑन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मशीन ए में कितने का, कितने का मशीन ए है सर, 1,00,000 का मशीन है और स्क्रैप वैल्यू कितने का, 15,000 का, तो मैं डेप्रिसिएशन कितना लेता हूं जरा ध्यान देना, 1,00,000 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाय इट्स लाइफ 2 years। ये कब होगा, इस पे ये डेप्रिसिएशन पे टैक्स रेट दैट इज 0.4 और कितने साल होगा, 2 साल, जिसका फैक्टर आप लिखे हो 1.74। समझा पब्लिक, उसी तरह इधर मैं क्या करूंगा सर, 1,30,000 माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 इस पे टैक्स रेट और वो 2 साल दैट इज 1.74 जो मैं लिखा हुआ हूं। समझा कितना आएगा ये डेप्रिसिएशन बताओ मेरे को, 29,580 और इधर 33,20। ऐसा करूंगा क्लोज आउट तो मेरे पास मेरा पीवीसी आय आएगा, जैसे मेरा पीवीसी ओ था यहां पे वैसे मेरा पीवीसी आय। एनीवन विद पीवीसी आय 42,030 और उस तरफ 64,520। सो देयरफॉर माय एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट, एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट जरा बताओ मेरे को कितना रहेगा, 70,498 और इधर एनपीवी निकालो सर 73,832। कौन सा मशीन सिलेक्ट करना चाहिए मैंने, जिधर एनपीवी ज्यादा आई शुड सिलेक्ट मशीन, मशीन बी, मशीन ज्यादा कॉस्ट इनफ्लो आउटफ्लो। एनपीवी अगर देखोगे तो यहां पे एनपीवी बन ही नहीं सकता, यहां पे एनपीवी नहीं बन सकता है क्योंकि दोनों मशीन पे आप इन्वेस्टमेंट करने ही वाले हो, आउटफ्लो होने ही वाला है। जिधर कम आउटफ्लो हो वो सिलेक्ट करेंगे, तो इसके लिए मैं इसको एनपीवी ना लिख के मैं इसको लिखता हूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो। आई राइट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो। समझा पब्लिक, मैं एनपीवी नहीं लिख सकता क्योंकि आपको मशीन, मशीन तो कुछ प्रोडक्ट बनाएगा, वो प्रोडक्ट बना के बेचूंगा, उससे रेवेन्यू कैश फ्लो जनरेट होगा, वो सब नहीं दिया है। आपको सिर्फ मशीन में खर्चा करना ही है, सस्ता किधर पड़ रहा है वो देखने का। सो मैंने मशीन का वो एनपीवी ना निकाल के मैं क्या रखूंगा, पीवीएनसीओ प्रेजेंट वैल्यू नेट कैश आउटफ्लो। अब मैं देखूंगा नेट कैश आउटफ्लो किधर कम है, तो आई विल रियलाइज किधर कम है सर, इधर इतना आउटफ्लो डालना ही है लेकिन सामने मेरा कुछ पीवीसीआई भी जनरेट होगा तो कम किधर डाल रहा हूं मैं, ए में आई विल सिलेक्ट ए। गेटिंग दैट एवरीवन। अब ये चीज जो आप किए हो यहां पे
इसी चीज को अपन एक और तरीके से भी कर सकते हैं, और वो तब कर सकते हैं जब दोनों का लाइफ सेम हो। उसको बोलते हैं डिफरेंशियल एनालिसिस, या जिसका दूसरा नाम है इंक्रीमेंटल एनालिसिस, इफ यू मस्ट हैव हर्ड इट। इंक्रीमेंटल क्या करता है, आपको आपको एक्स्ट्रा कितना होगा कंपेयर टू वन वो देखने का है, इंक्रीमेंटल। अब जब आप इंक्रीमेंटल कर रहे हो तो आपको किसी को तो भी एक को बेस देना पड़ेगा, दोनों में से किसी को भी एक को बेस देना पड़ेगा, और उसके सामने मतलब उसको सामने आप कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो देखना पड़ेगा। अब किसी को भी बेस दे सकते हो। द आइडियल टेक्निक इज टेक द वन जिसका कैपिटल कॉस्ट ज्यादा है उसको बेस। सो मैं क्या लिखूंगा, डिफरेंशियल एनालिसिस, और मैं क्या इवेल्युएट करता हूं, सिलेक्टिंग बी इंस्टेड ऑफ ए, दिस इज व्हाट आई एम इवेल्युएटिंग। अब मैं बी को सिलेक्ट करूं इंस्टेड ऑफ ए तो मैं क्या लिखूंगा, इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल कैपिटल कॉस्ट। कितना लिखूंगा मैं इंक्रीमेंटल, कितना दे रहा हूं दोनों में से, अगर मैं इवेल्युएट करूं तो 30,000, वो भी इमीडिएट, दैट इज 30,000 बराबर। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट में जरा देखो, आप अगर बी सिलेक्ट कर रहे हो तो रिलेटिवली कम पे करते, तो ये तो मेरा इनफ्लो में जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा, सेविंग्स इन एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट। कितने का सेविंग होगा सर मेरा, 4,000, लेकिन वो भी इंटू 1-0.4, और वो भी एवरी ईयर, इसके लिए इंटू 1.74। समझा पब्लिक, राइट। तीसरा सैलवेज, सैलवेज बी में आपको ज्यादा मिलेगा, तो मैं क्या लिखूंगा सर, इंक्रीमेंटल सैलवेज। कितना इंक्रीमेंटल सैलवेज मिलेगा, आप देखोगे तो 25,000, कभी 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 लास्ट ईयर में इसके लिए इंटू 0.83। और देख रहे हो आप टैक्स बेनिफिट भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मिलेगा डिप्रिसिएशन का, इधर कितना मिलेगा, 85,000 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये कितना था, 85,000 डिवाइडेड बाय 2 42,500 था, तो ये वाला कितना था सर, ये 90 डिवाइडेड बाय 2 45,000 था, तो मैं क्या बोलूंगा, इंक्रीमेंटल, सुनना अच्छे से, इंक्रीमेंटल टैक्स बेनिफिट ऑन डिप्रिसिएशन, जो मैं कैसे लिखूंगा सर, मैं लिखूंगा 2,500 पे 0.4 और एवरी ईयर दैट इज 1.74। समझ में आ रहा है पब्लिक? सो जरा ये मेरे को अभी फिगर्स बताओ कितना है, ये वाला 4,000 इंटू 0.6 इंटू 1.74 41,76,20,750.83 से मल्टीप्लाई करके, और 2,500 इंटू 0.4 इंटू 1.7। अब मैं इधर ये वाला मेरा क्या है सर, ये मेरा 30,000 जो है ये प्रोजेक्ट में बी में डाल रहा हूं कंपेयर टू ए, ये मेरा पीवीसीओ है और ये मेरा पीवीसीआई है, तो ये कितना आया है जरा बताओ, 26,666 बराबर ना एवरीवन। सो अब मैं अगर देखूं, अब मैं व्हाट इज माय एनपीवी ऑफ सिलेक्टिंग बी इंस्टेड ऑफ ए, आप देखोगे तो क्या होगा सर, नेगेटिव होगा। कितना नेगेटिव होगा सर, 3,334 एवरीवन, क्या आ रहा है, नेगेटिव ना। रिजेक्ट सिलेक्टिंग बी इंस्टेड ऑफ ए ऑल्सो मीन्स सिलेक्ट ए इंस्टेड ऑफ बी एंड सेव 3,334। This is the same amount, which is the difference between these two. Nikalo in dono ka difference. Aapko in dono ka difference milega 3,334. -34,98. 3,334 everyone. Same decimal liya, toh sabka answer same hi aana. सिनारियो क्या, ये मैंने क्यों करवाया आपको, ये मैंने आपको क्यों करवाया जरा ध्यान दो। व्हाट इज दिस, दिस इज डिफरेंशियल एनालिसिस। क्या टेक्निक यूज किया मैंने, किसी भी एक को बेस ले लेने का। क्यों बी को बेस दिया, ए को भी ले सकते हो, ठीक है, तो आंसर 3,334 प्लस आता था,
बी को बेस क्यों लेने का, क्योंकि वो लिखने में बेटर पड़ता है। अब आप अगर ए को लेते हो तो आप क्या लिखते हैं, सेविंग्स इन कैपिटल कॉस्ट लिखते हैं, वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता। सेविंग्स इन कैपिटल कॉस्ट क्यों ऑकवर्ड हो जाता, सैलवेज में आप क्या लिखते हैं, एक्स्ट्रा सैलवेज। डेप्रिसिएशन में क्या लिखते हैं, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन टैक्स बेनिफिट, थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता। इसके लिए हमेशा जिसका कैपिटल कॉस्ट ज्यादा है उसको लिखो, बराबर है। दैट इज गुड फॉर राइट अप, नथिंग एल्स। इंक्रीमेंटल टैक्स बेनिफिट, इंक्रीमेंटल सैलवेज एंड ऑल, इंक्रीमेंटल कैपिटल कॉस्ट, राइट। वो पॉजिटिव आए मतलब आप बी को सिलेक्ट कर सकते थे, वो नेगेटिव आए मतलब सामने वाले को सिलेक्ट करने का। जरा अच्छे से नोट किया मैंने, जहां पे दोनों का डिफरेंशियल एनालिसिस कर रहा हूं वहां पे मैं एनपीवी निकाला, लेकिन दोनों इंडिविजुअल कर रहा हूं तो पीवी एनसीओ, नेट कैश आउटफ्लो। अब इधर मैं क्या बोलता, आई शुड सिलेक्ट प्रोजेक्ट बी इंस्टेड ऑफ ए एज इट विल सेव रुपीज 3334 इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स, आज के तारीख में इतना सेविंग्स होगा। यहां पे मैं क्या लिखूंगा, आई विल सिलेक्ट प्रोजेक्ट ए इंस्टेड ऑफ बी एज इट विल सेव 3334 इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स। प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स एवरीथिंग जो सेविंग होगा वो आज की तारीख। पब्लिक गेटिंग दैट थिंग? अब आप जब एग्जाम में जाओ तो आपको ये गदा मजूरी नहीं करने का इंडिविजुअली, आप डायरेक्टली क्या करोगे, इंक्रीमेंटल एनालिसिस करोगे, लेकिन कब, जब प्रोजेक्ट का लाइफ सेम हो तब ही। लाइफ अलग हो तब आप ये नहीं कर सकते हो। अंडरस्टूड एवरीवन? जरा देखो मैंने वहां पे क्या लिखा है डिफरेंशियल एनालिसिस के बारे में, मिला वहां पे डिफरेंशियल और इंक्रीमेंटल। व्हेन प्रोजेक्ट लाइव्स आर सेम, इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअली इवेल्युएटिंग देम, वी कैन डायरेक्टली परफॉर्म डिफरेंशियल एनालिसिस या इंक्रीमेंटल एनालिसिस। इफ द एनपीवी ऑफ डिफरेंशियल एनालिसिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इट मीन्स वन ऑफ द प्रोजेक्ट इज वर्थ एक्सेप्टिंग एंड द डिफरेंस दैट इज एनपीवी कैन बी इंक्रीमेंटल सेविंग्स और बेनिफिट। समझ रहे हो पब्लिक? दोनों में से अगर आपका एनपीवी पॉजिटिव और नेगेटिव आता है मतलब दोनों में से एक वायबल है, बराबर, और जितने कितने से वायबल है वो डिफरेंस है। यहाँ पे एनपीवी नेगेटिव मतलब ऐसा मत बोलना दोनों मशीन रिजेक्टेड, दोनों में से एक रिजेक्टेड दूसरा एक्सेप्टेड। गेटिंग दैट थिंग? बराबर है। हाँ, अंडर डिफरेंशियल एनालिसिस टेक प्रोजेक्ट विथ हायर कैपिटल कॉस्ट एज बेस प्रेफरेबली। क्या बोला मैंने, आप किसको बेस ले सकते हो सर, जिसका कैपिटल कॉस्ट ज्यादा है, हो सके तो उसको बेस लो, दैट विल बी बेटर। समझ में आ रहा है पब्लिक? ये आप अगेन एंड अगेन मैं रिपीट करूंगा, डिफरेंशियल एनालिसिस कब कर सकते हो, ओनली वेन प्रोजेक्ट का लाइफ इज सेम, बराबर। लेकिन जब प्रोजेक्ट का लाइफ अलग होगा तो आपको दोनों को इवेल्युएट भी अलग तरीके से करना पड़ेगा, इंडिविजुअली इवेल्युएट करना पड़ेगा पब्लिक, आप साथ में नहीं कर पाओगे। गेटिंग दैट थिंग? राइट राइट, ठीक है। चलो बाकी का अपन उसके बाद का सम करते हैं, जस्ट गो थ्रू द प्रेजेंटेशन एंड राइट अप जो लिखा है वो। एवरीवन आप इसको लिखने का कैसे नॉल एक बार जरा देख लो, बोलना। ए ऐसा नहीं रहता भाई, जो एवरी ईयर आने वाला है उसमें पीवीआईएफ करूंगा, जो एक ही बार होने वाला है वो पीवीआईएफ। एन्यूटी, एन्यूटी मतलब जो रिकरिंग होगा वो। अभी तुम्हारा उन्होंने ही बोला ना एन्युअल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो एन्युअल ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब जो हर साल होगा उसको एन्युटी मिलेंगे। डेप्रिसिएशन एवरी ईयर होगा या एक बार होगा? डेप्रिसिएशन एवरी ईयर होगा या एक बार होगा? एवरी ईयर, तो उसको एन्युटी में लेने का। लेकिन कैपिटल कॉस्ट एक ही बार होगा, सैलवेज एक ही बार होगा, तो उसको जिधर जिधर पीवीएफ एक एक बार होगा वो एक एक बार ही लेने का।